जय गुरु जी। मैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल हूं एंड गुरु जी के साथ 92-93 से जुड़ा हूं एंड ये बहुत बड़ी जगह है और आप सबसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि मैं दिल्ली से किसी पर्पज के लिए आया हूं, उस पर्पज को करने दीजिए। और गुरु जी का जो रूप है, जो स्वरूप है और गुरु जी क्या हैं वो समझिए, और उनकी जो फ्रेग्रेंस है, उनकी जो कृपा है उसको बहने दीजिए, और उस कृपा को तभी आप पा सकते हैं जैसे सिद्धार्थ मोहन बोल रहे थे कि जब आप भाव से बैठेंगे। गुरु जी बोलते थे कि हमारे पास 3 बजे से आदमी आता है डॉक्टर, एक तो भाव में, एक अभाव में और एक प्रभाव में। तो अगर जो भाव से आता है गुरु जी उसे प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, और जो अभाव में आता है उसकी कृपा गुरु जी करके उसकी जो परेशानियां हैं, जो उसकी दिक्कतें हैं, जो उसका अभाव है उसको पूरा करते हैं। और तीसरा गुरु जी कहते थे प्रभाव में लोग आते हैं हमारे पास, जिनको हमने ब्लेस किया है और जिनको हमने गुरु जी की कृपा की है, उन वो लोग गुरु जी की कृपा का शुक्राना करने आते हैं। तो हम सबको भी ये भाव रखना चाहिए और गुरु जी की कृपा मिलना ये हमें लगता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे भाव से, प्रभाव से और अभाव से। और ये इतनी बड़ी जगह है कि मेरे को मोर देन 25 ईयर्स, एक सिल्वर जुबली हो चुकी है गुरु जी के साथ जुड़े। जिन चीज़ों को आप मिरेकल कहने वाले हैं उनकी कृपा फ्रेग्रेंस आप महसूस करिए। गुरु जी यहाँ विराजमान है और मेरा वादा और नहीं यकीन है गुरु जी की कृपा से कि गुरु जी ने जिस तरह हमें ट्रेंड किया और गुरु जी ने कृपा की कि बहुत सारे लोगों के आज जवाब मिलने वाले हैं, बशर्ते आपको पिन ड्रॉप साइलेंस रखना पड़ेगा। मैं सिद्धार्थ मोहन से शुरू करता हूं। गुरु जी की कृपा से नीलम शर्मा एक बहुत बड़ी गायक थी पंजाब की, सिद्धार्थ को मैं अपना छोटे भाई की तरह भी मानता हूं और मेरा एक फर्ज भी है कि जो गुरु जी से जुड़ा, क्योंकि यहाँ भाव के प्रवाह कोई प्रभाव नहीं होने वाला और वो भाव से गाते हैं, इसलिए हमारे को सबसे पहले शुक्राना है कानपुर की और लखनऊ की संगत का कि मेरे को आप सब गुरुजी से नहीं मिले और आप सब ने हमें ये अनुभूति करा पाए कि आप गुरुजी से मिले हुए हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है, ये इतनी बड़ी शक्ति है। यहाँ पे कोई जात धर्म छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं चलता, ये बहुत बड़ा कौमी एकता का दरबार है। तो जब गुरुजी के बहुत कम लोग आते थे, बहुत कम पैसों की जगह थी, तो वो कुछ लोग पंजाब गए नीलम शर्मा को, गायक को बुलाने के लिए। तो वहाँ से उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा रेट्स बता दिए, तो वहाँ से लोगों ने फ़ोन किया हम लोगों ने गुरुजी को कि गुरुजी ये तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है। गुरुजी ने एक मिनट के लिए सोचा, गुरुजी ने बोले हाँ कर दे इसे, आने दे इसको। जब वो वहाँ पे गुरुजी के दरबार में गाने आई, ये विश्वास रखिएगा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खेल है, कोई किसी के लिए नहीं आया। ठीक है सिद्धार्थ मोहन का प्रमोशन है इसलिए वो आए, बट उनका जो भी ज्ञान है, जो भी उनका ध्यान है, जो भी गुरुजी की कृपा होनी है, वो उनकी उसमें कितनी सिद्धत और कितनी ईमानदारी डालने वाले हैं उससे मिलने वाली है। तो जब नीलम शर्मा ने गाना शुरू किया तो वो रोने लगी पहले ही शब्द में और बोली कि ये सामने जो बैठे हैं ये साक्षात भगवान हैं। और मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने लोग इनसे पैसे मांगे, उसने अपने पर्स से वो पैसे लाके गुरुजी के चरणों में रख दिए। गुरुजी हंसने लगे, उसने गाना शुरू किया, उसने बोला जीवन में मैं इस मंदिर में कभी पैसे नहीं मांगूंगी, बट ये हमारे गुरुजी हैं जो भगवान हैं, जिनके जो आपको मिरेकल्स दिखते हैं वो हम सब लोगों ने विटनेस किए हैं, हमें सौभाग्य मिला उनके साथ चलने का, ट्रीटमेंट करने का और बहुत सारे लोगों को एनर्जी ट्रांसफर करने का। तो गुरुजी तो किसी का रखते नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन में मिलता है, तो उनकी कृपा है। अगर आप कोई फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, मॉरल उनकी सेवा कर पा रहे हैं, फिजिकली जैसे आप शांति से बैठे हैं, मेंटली जैसे मैं और सिद्धार्थ मोहन यहाँ पे गाने और शब्द करने आए हैं, और फाइनेंशियली जैसे यहाँ पे ये सब सजावट हुई है, अगर इन सब चीजों में आप योगदान डाल सकते हैं तो कृपा मानिए गुरुजी की कि गुरुजी का जोड़ने का यही तरीका है। और 3 चीजें हैं, भजन, भोजन और सत्संग। भजन हो चुका है, सत्संग मैं कर रहा हूं, भोजन बाद में होगा। तो ये 3 चीजों से ही गुरुजी कृपा मिलने वाली है। एंड मैं दिल्ली से इतने फंसे में, मेरे बड़े बेटे के इंजीनियरिंग के काउंसलिंग चल रही है, मेरी वाइफ डॉक्टर है, मेरे ट्विंस बच्चे हैं जो सारे गुरुजी ने ब्लेस किए,
दे आर लकी कि वो गुरुजी की गोद में बैठे, गुरुजी का प्यार लिया और बहुत सारी कृपा गुरुजी ने किस किस को कराई। और जो मेरी हिम्मत ताकत आज है वो सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे को फिर से इंचार्ज बना दिया गया, क्योंकि मैंने बीनू आंटी को बोला था तो मैंने कहा गुरुजी आप देखो कैसे जाते हैं। और आप बिलीव करना, इतनी सहजता से मैं यहाँ आ पाया, ये शो करता है कि गुरुजी यहाँ विराजमान हैं। और आप उस चीज का नजारा, ये तलवार की धार पे खेलने आए हैं आप, वो गुरुजी एक पल में दे देंगे और हजार बार में नहीं मिलेगा। लगता है ये सब आपकी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए आप उन चीजों को सहजता से लेके करिए। जब नीलम शर्मा ने गाना शुरू किया तो गुरुजी ने बोला कि तेरा अगला प्रोग्राम कहाँ है सिद्धार्थ मोहन जी, तो उसने बोला पंजाब में, तो गुरुजी ने बोला वहां पर तू बोरियां लेके जाना, बोरियां लेके जाना, तेरे को नोटों से नहला देंगे लोग। और बिलीव करना, उस नीलम शर्मा को जब पंजाब में प्रोग्राम हुआ तो लोगों ने नोटों से नहला दिया। ये है मालिक की रजा, यहां जो कह दिया वो होना है। गुरुजी बोलते थे प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं डॉक्टर हो जाएगा कर देंगे, कहते तेरी साइंस में जैसे किसी को दर्द है तो उसे आराम चाहिए, ये नहीं कि कल तक दर्द दूर हो जाएगा। तो यहां पे भी गुरुजी की वो रजा है कि जितना आप चाहोगे वो मिल जाएगा। ये महासागर है, यहां से आप जैसे हम जैसे सब कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूं, गुरुजी कह रहे हैं ये उनका बहुत खुशी का महीना है। ये मेरी 26 साल की ऑब्जर्वेशन है कि जुलाई में, अगर आप 1 जुलाई से 31 जुलाई तक गुरुजी की वो कृपा रहती है तो उस कृपा को आप समझ भी नहीं सकते। आपके बहुत सारे अटके काम, बहुत सारी परेशानियां, ये बहुत उनकी खुशी का महीना है। उस खुशी के महीने का हम आनंद लें, तभी आप उस कृपा को महसूस कर सकते हैं। और वो सिंपल, यहाँ पर कुछ भी बहुत कारीगरी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी अभी आपको फ्रेग्रेंस गुरुजी की महसूस होने वाली है, उसको फील करिए। और यहाँ पर कोई गुरुजी का चमत्कार नहीं है, सबसे बड़ी बात वो सबके लिए सहज हैं, सरल हैं। यहाँ सिर्फ उन्हें आप सरलता से कमा सकते हैं, उसमें कोई सहजता के बिना आप उनको नहीं पा सकते। एक बार मैं, अंकल, मैं और बिरला साहब खड़े हुए थे और गुरुजी अपने दरबार में बैठे हुए थे, तो हम तीनों बेसिकली बात कर रहे थे, जोक सुना रहा था मैं पीछे बैठ के। गुरुजी ने बुलाया पीछे से, कहते तू इतना पुराना है, तू मेरा डॉक्टर है, क्या कर रहा है? अब वहां झूठ नहीं बोल सकते थे, तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी मैं जोक सुना रहा था। गुरुजी बोले यार तू पैरों की सेवा कर। बिरला साहब को बुलाया, एक रोटी का थाल होता था जिसमें 50 रोटियां होती थी, बिरला साहब को वो रोटी का थाल दे दिया गया, बिरला साहब ने बांटना शुरू कर दिया। और जब वो बांटने लगे, उनकी हाइट इतनी लंबी थी, मैं हंसने लगा, मैंने कहा गुरुजी ये तो इनके बैक में दर्द हो जाएगा। कहते आज इसका अहम तोड़ना है, आज इसको बताना है कि ये दरबार कौमी एकता का है। तो जब बिरला साहब गुरुजी के पास आए तो कैसे कैसा लगा, तो बिरला साहब ने बोला बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी बोले एक थाल और दे दो। उन्होंने फिर 50 रोटियां रोटी प्रसाद करके सर्व करना शुरू किया और वो गुरुजी के एकदम चरणों में बैठ गए। वो दिन उसके बाद कभी बिरला साहब अलग थलग नहीं बैठे, जहां उन्हें जगह मिलती थी वहां बैठ जाते थे। तो ये इतनी बड़ी जगह है जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। जैसे सिद्धार्थ बोल रहे थे शुक्राना, सिर्फ शुक्राना अदा कर सकते हैं। जिस दिन वो आपका आना बंद कर देंगे, जिस दिन लंगर प्रसाद बंद कर देंगे, उसकी कीमत उस दिन समझ आने वाली है। अनिल अनिल करके एक थे, खुराना, अनिल खुराना, तो उनकी कॉस्मेटिक की शॉप थी, तो गुरुजी उनसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स के पाउच मंगवाते थे और किसी आंटी अंकल को बुला के वो कॉस्मेटिक के पाउच गुरुजी गिफ्ट करते थे। तो अनिल खुराना को बड़ा लगता था कि भाई गुरुजी इतना महान काम कराते हैं, गुरुजी उनकी फैक्ट्री ब्लेस कर रहे थे। अनिल खुराना गायब हो गए, गुरुजी ने 31 मई 2007 को शरीर छोड़ दिया। अनिल खुराना करीब 2011 31 मई, देखिए कोइंसिडेंस, बड़े मंदिर पहुंचे, बड़े परेशान हो गए कि गुरुजी बगल में बिठाते थे, वो मंदिर घुसने में 3.5 घंटे लग गए। उनको मैं मिला गेट पे, बोले डॉक्टर साहब क्या बदल गया? मैंने कहा देख लीजिए, ये करिश्मा है मालिक का, जब तक वो इज्जत बख्श रहे हैं उस इज्जत का शुक्राना करिए और उस भाव से जुड़िए। मैं बताता हूं इससे बड़ी जगह अगर आपने कोई देखी हो तो मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि दुनिया के जितने स्पिरिचुअल लोग हैं
सब जहां मैं बैठा हूं बाय नेम मेरे को जानते हैं, बट मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी जगह नहीं देखी। दो बच्चे फूल डालते हुए आ रहे थे जब गुरुजी का शुरू में बैंड जला, हमें उसने उन्होंने मेरे को 20 साल पीछे धकेल दिया। एक आंटी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो मंदिर आती हैं अभी भी, बहुत सारे उनके मॉल्स हैं, उनके फार्म हाउस हैं, उनके होटल हैं, तो वो गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो गुरुजी ने उनसे बोला कि तुम्हारे ड्राइवर अंकल ने खाना खा लिया। आंटी बोली कि मैं अपने अंकल का ड्राइवर लाती हूँ, उसको 200 रुपये देती हूँ, 50 रुपये का वो खाना खाता है, 150 रुपये बचाता है, उसे बड़ा अच्छा लगता है गुरुजी। गुरुजी सातों दिन बैठते थे, वो आंटी अक्सर आती थी, तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं आप अपने ड्राइवर अंकल को बुलाइए, उसको लंगर प्रसाद कराना है। तो बोली गुरुजी आप टेंशन मत लीजिए। गुरुजी सीरियस हो गए, गुरुजी ने बोला मैं किसी का टेंशन नहीं लेता। और गुरुजी बहुत कम बात करते थे, उनका जो ऑरा, उनका जो सहजता सरलता आप स्वरूप से महसूस करिए, वो 440 वोल्ट के करंट के बराबर थी। अगर आप सामने खड़े हैं तो उनकी बिना मर्जी के आप हिल नहीं सकते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। यहां पे किसी की रईसी नहीं चलती, यहां सिर्फ भगवान साक्षात विराजमान है, और आपको झुक के अदब से रहस्यमय तरीके से और सरलता से गुरु जी से कुछ मिलेगा। तो वो वहां पे गए, आंटी रूप ने अपने ड्राइवर को बुलाया, वो ड्राइवर वहां आया, गुरु जी को दिल्ली घुमाता था कभी कभी, और वो ड्राइवर को इशारा करके गुरु जी ने 2 थाली का लंगर प्रसाद जहां ये आंटी बैठी है वहां अपने बगल में लगवा दिया। अब ना ड्राइवर अपने ओनर को, ना ओनर अपने ड्राइवर को मना नहीं कर पा रहा। ये है गुरुजी, ये ऐसे झोली भर के देते हैं। दोनों ने एक थाली में लंगर शेयर किया, ड्राइवर गुरुजी से बात कर रहा है टेलीपैथी से, गुरुजी आप जब बुलाते हो मैं दिल्ली में आपको घुमाने आ जाता हूं, आपने क्या किया, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसके साथ आपने बिठा दिया, मालिक भी डरते हैं, इसके बच्चे भी डरते हैं, आपने क्या किया। गुरुजी बोल रहे हैं तो रोटी खा, रोटी खा। कहते रोटी क्या खाक खाऊं, क्योंकि उसने नेक्स्ट डे आके सत्संग शेयर किया। कहते रोटी क्या खाक खाऊं, नौकरी जा रही है आपके प्यार में, आप कहते हो मैं भला करता हूं, क्या भला किया आपने, हमारी नौकरी नहीं छोड़ेगी ये। गुरुजी उसे करें तू जा। बाद में गुरुजी ने विदा कर दिया, और गुरुजी की लीला देखिए कि कैसे दोनों लोग घर गए होंगे। और वो आंटी अभी भी गुरुजी की बहुत बड़ी सेवादार है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उसके बाद वो आंटी ने जैसे ही उसको ड्राइवर को छोड़ा, उससे बोला ड्राइवर भैया सुबह 8 बजे आ जाना। उसने सोचा ये 8 बजे मेरा सब हिसाब किताब करेंगी। वो बेचारा रात भर सो नहीं पाया, उसने अपनी वाइफ से नहीं बताया, बच्चों की फीस भरनी थी। आप कल्पना करिए उस सत्संग को। ये आज मैं सत्संग बता रहा हूं, ये सत्संग नहीं है, सच्ची घटनाएं शेयर कर रहा हूं, ये बताने के लिए कि आप यहां फील करिए कि गुरु जी विराजमान है। मेरे को गुरुजी ने जिम्मेदारी बख्शी है, वो जिम्मेदारी पूरी करने आया हूं कि जो भी इस संगत में बैठा है मेरा उसको ओपन कार्ड है कि उनके बहुत सारी चीजों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी साक्षात विराजमान होके ये सत्संग करा रहे हैं। वो बेचारा 7:30 पहुंच गया, और पहुंचने के बाद उसने मैनेजर से कहा कि भैया मेरे पैसे ऐसे ले आओ, और मैं तो मालकिन से मिल नहीं सकता, फेस नहीं कर सकता, मैंने बड़ा पाप कर दिया, मैंने कल गुरुजी के चक्कर में अपनी नौकरी गवा दी। अब वो मैनेजर बोला कि वो मालकिन खुद आने वाली हैं, और जैसे ही उसने देखा वो मालकिन सामने कॉरिडोर से चली आ रही थी, और वो अपने हाथ से नाश्ता बना के उस ड्राइवर के लिए उन्होंने कहा ये है गुरुजी। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने कृपा से उस आंटी ने ड्राइवर को वो प्रसाद खिलाया, और उसको बोला कि आज से तुम्हारी ड्यूटी मालिक नहीं मेरे साथ है, और तुम्हारी सैलरी 2000 रुपए बढ़ा दी गई है। वो रोने लगा ड्राइवर, कहता गुरुजी आप दयालु हुए हैं, आप कृपालु हैं, आपने दुनिया बदल दी, जिसको उनके हस्बैंड बच्चे नहीं बदल पाए गुरुजी ने 30 सेकंड में वो दुनिया बदल दी। तो ये इतने बड़े करिश्मा की जगह है, ऐसे महाराज ऐसे भगवान के सामने आप बैठे हैं, आपको कितनी शिद्दत से बैठने की जरूरत है उस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद वो आंटी और ड्राइवर गुरुजी के पास आई, और उन्होंने बोला गुरुजी बाकी सब हमारे नौकर, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं उनकी, गुड़गांव में मॉल्स हैं, वो आए और उन्होंने कहा गुरुजी सब चाहते हैं कि आप घर में सबको ब्लेस करें। उनके बच्चे और बहू और लड़की कभी अपनी मम्मी के साथ नहीं बैठे थे। गुरुजी का करिश्मा देखिए कि वो सब साथ में लंगर करते थे। अब गुरुजी आए, गुरुजी के टाइम में क्या होता था कि सबकी ड्यूटी असाइंड होती थी,
तो जब मैं उनके लंगर के गेट पे खड़ा था तो गेट मेरे को खोल के गुरुजी को अंदर ले जाना था। तो जैसे ही मैंने गेट खोला, गुरु सारे लोग जैसे आप दोनों तरफ बैठे हो उस तरह लोगों ने हाथ में फ्लावर लेके इस कॉरिडोर में अपने हाथ रख दिए, बोले कि इस कॉरिडोर में गुरुजी जब निकलेंगे तो हमारे पैरों के ऊपर अपने पैर, हाथों के ऊपर अपने पैर रख के जाएंगे, हम सब ब्लेस हो जाएंगे। गुरुजी ने जैसे ही पैर रखा, पैरा पैर, कहते डॉक्टर क्या कर रहे हो? मैं कहा गुरुजी ये मानने वाले नहीं है। कहते यार ऐसे थोड़ी नहीं होता। अरे मैंने कहा गुरुजी इनकी मस्ती है, आप इस मस्ती को मत छोड़िए। गुरुजी इतने सरल हैं, इतने स्वभाव से सरल हैं कि गुरुजी चलते गए और वो वर्कर जो उनके साथ कुछ भी डिस्प्यूट था, आप सोच भी नहीं सकते उस कल्पना को कि वो गुरुजी ने कैसे सबको ब्लेस किया और गुरुजी ने उनके पूरे हर परिवार के हर व्यक्ति को, हर आदमी को ब्लेस किया। सबसे बड़ी बात होती है, मैं डॉक्टर हूं, मैं फॉर्चुनेटली मैरिज से पहले जुड़ गया और जब मैं शुरू शुरू में ट्रीटमेंट करने जाता था गुरुजी का तो मेरे को लगता था मैं एज ए डॉक्टर गुरुजी को ट्रीट करने आता हूं। बट गुरुजी की अपनी कृपा, एक दिन गुरुजी बैठे थे, मेरे को बगल में बैठने का सौभाग्य मिला। ये बात मैं शेयर कर रहा हूं, फ्रेग्रेंस को महसूस करिए, आप गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस आ रही है उसको महसूस करिए, गुरुजी की कृपा को महसूस करिए। तो अगर अगल बगल से भी आप निकल जाते थे गुरुजी के तो आपके फ्रेग्रेंस कपड़ों में आ जाती थी, और अगर सौभाग्य से आपको उनको छूने का, उनको टच करने का, उनकी सेवा करने का मौका मिल गया तो 10 से 15 दिन तक मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल कट सत्य बात बोल रहा हूं, 10 से 15 दिन तक हाथों से फ्रेग्रेंस नहीं जाती थी। और सबसे बड़ी बात, जब मैं जुड़ा तो इस दरबार में जो गुरुजी की चीज मेरे को कैच की कि यहां पर कोई वकील नहीं है, यहां पर डायरेक्टली रिलेशनशिप है, आपको खुद अपना प्रोफेशनल अकाउंट की तरह स्पिरिचुअल अकाउंट खोलना पड़ेगा। विश्वास मानिए, उस अकाउंट में आप डालते जाइए, हो सकता है आपको लगे कि आज मेरे को गुरुजी ने ब्लेस नहीं किया, लेकिन जीवन के जिस मोड़ पे आपको सबसे ज्यादा ब्लेसिंग की जरूरत होगी आप गुरुजी को खड़ा पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आपको इस हद तक गुरुजी को साधने की जरूरत है, और जिस दिन इतना गुरुजी की कृपा आपने पाली आप उनको अंग संग महसूस करने वाले हैं। तो गुरुजी की कृपा से जो जब वो आए तो हमारे जो वाइफ मैरिज हुई, मैंने बताया, तो सबसे पहले क्या होता है कि आदमी खुद महसूस करता है कृपा को। तो मेरे फादर लकीली मेरा, हाँ ये बात और मैं कहना चाहूंगा, उधर कानपुर वाले बैठे हैं, इधर लखनऊ वाले बैठे हैं। तो गुरुजी ने न जाने कितने बार कितनी फैमिली के ब्रिज बनाए, कितनी सास बहू के झगड़े निपटाए, कितने बच्चे और फादर के रिलेशनशिप बनाए। तो ये ब्रिज है आपका प्यार का। एंड आई एम रियली ब्लेस्ड गुरुजी कि मैं कानपुर का रहने वाला हूं, मेरे फादर डीजी हेल्थ रिटायर्ड हुए, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं अपनी जमीन पर, अपनी धरती पर सत्संग कर रहा हूं। और मैं गुरुजी से इसी वक्त प्रे कर रहा हूं, जितनी मेरी गुरुजी से आस्था है, कृपा है, कि गुरुजी हर एक आदमी को महसूस करा दें आज कि उनकी कृपा किस हद तक होने वाली है। वो बहुत दयालु हैं। मैंने गुरुजी का अपने जीवन में कोई काम मना नहीं किया और गुरुजी ने मेरा काम कभी मना नहीं किया। और विश्वास मानिए, इस दरबार के आगे सारे दरबार फेल हैं। तो जब एक बार गुरुजी की कृपा, वो सबको देते हैं, सबको चांस देते हैं। गुरुजी एक दिन मैं हॉस्पिटल में था, एलएनजेपी में, मैंने बताया मैरिज से पहले था, आई वाज इन एलएनजेपी हॉस्पिटल इन सर्जरी, एक ऑपरेशन बहुत देर चला। तो गुरुजी क्या है, उस समय सातों दिन बैठते थे और करीब 5 बजे गुरुजी ऐसे जैसे आप जमीन में बैठे हैं ऐसे 6:30 बजे तक जमीन में बैठते थे, स्मार्ट टी शर्ट्स, कुर्ता पजामा, शॉर्ट्स, स्टाइलिश, कंगन पहनने का शौक, बहुत अच्छी घड़ियां पहनने का शौक और बहुत मजे करने का। अगर गुरुजी कभी कॉफी पिलाने भी गए तो 5 स्टार में गए। गुरुजी अगर किसी को कहीं ले गए तो रईसों के पास ले गए। और ऐसे ऐसे लोग जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे वो गुरुजी के यहां आते थे। तो गुरुजी की कृपा से जब वहां पर मैं शादी से पहले जुड़ गया तो मैं एक दिन, मेरा हॉस्पिटल बहुत देर चला, मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया क्योंकि उनकी कृपा थी। आप सब ज्यादा भाग्यशाली हैं कि गुरुजी को भगवान मान के आ गए। अगर आप सब गुरुजी के टाइम में आए होते तो उनसे मिलना बहुत आसान नहीं था। वो जब किसी को परमिट करते थे तब वो मिलता था,
यहां पे कोई रिश्तेदारी नहीं चलनी। वो कितने बार सत्संग के बीच से आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को हटा के बाहर भेज देते थे और आप अंदर बैठे हो, ढाई घंटे बाहर टहल रही, कोई मोबाइल फोन नहीं कर सकते। तो गुरुजी की कृपा से जब मैं पहुंचा तो गुरुजी नीचे बैठे हुए थे, तो मैं बड़े आराम से बैठा। गुरुजी नहाने गए, नहाने के बाद गुरुजी ने मेरे को बुलाया, कहते यार समोसे मंगाए थे गुरुजी ने, बहुत जबरदस्त समोसे आए थे, तो आई वॉज वेरी टेम्पटिंग कि मैं आज खाली पेट आया हूँ, चाय समोसा खाऊंगा। गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी बोले यार तू सही आ गया डॉक्टर, आज तेरी एक सेवा है। मैं कहा गुरुजी चाय प्रसाद, मैं खाली पेट आ रहा हूँ, बताया आपको। कहते नाना आके खा, तेरे को एक अंकल के घर जाना है और उनकी रिपोर्ट्स देख के आनी है। अब आप देखिए मालिक का करिश्मा, कैसे वो ब्लेसिंग देते थे। जब मैं बाहर निकला तो मेरे को उनका घर नहीं मालूम था, एक अंकल मिले, उनके जान के मैं उनके घर पहुंचा। और जब मैं घर पहुंचा तो बहुत देर में, 15 मिनट में उनके बेडरूम में पहुंच पाया, बहुत बड़ा घर था और उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी नेक्स्ट डे। तो जब मैं पहुंचा तो वो अंकल जिनके मैं रूटीन में पैर छूता था, बट गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करके भेजा था हाथ मिला के, तो मैंने उनके पैर छूने के बजाय उनका हाथ मिलाया। और वो 3 दिन से लेटे हुए थे, उनके सारे लड़के बहू सब मायूसियत से खड़े हुए थे। द मोमेंट आई टच्ड हिज हैंड वो अंकल उस पलंग पर बैठ गए और वो एक्टिव हो गए, कहते डॉक्टर साहब क्या खाओगे। अब देखो मेरी दूसरी विधा शुरू हो गई, गुरुजी ने तो मेरे को रिपोर्ट देखने के लिए भेजा था, बट मैंने बोला अंकल चाट खाएंगे। उनके घर के पीछे मैं बीकानेर वाला है, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई 2 चाट मंगाओ। अब घर के ओनर, नेक्स्ट डे सर्जरी, किसी ने डॉक्टरी नहीं की, यहां कोई डॉक्टरी नहीं चलती, यहां कोई इफ एंड बट नहीं चलता, यहां सिर्फ चलता है तो सरेंडरेंस चलती है, आपको दिल से सरेंडर होके उनको मानना पड़ेगा। तो वो हमने और उन्होंने खाई, उनको बहुत चैतन्य हो गए, बहुत लाइव हो गए वो। उसके बाद मैं उनके घर से निकल गया, जब मैं थोड़ी दूर पहुंचा तो मेरे को ध्यान आया कि मैंने रिपोर्ट तो देखी नहीं। मैंने अपनी कार टर्न की और फिर वापस गुरुजी की दशा में टर्न कर दी। मैंने कहा कि मेरा क्या लेने देना, अगर गुरुजी ने मेरे को रिपोर्ट के लिए भेजा था, मैंने वहां खाने की बात की, तो आई वॉज ए मीडिएटर, तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। अब देखो कैसे है भगवान, मैं जैसे ही एम्पायर स्टेट पे सीढ़ियां उतर रहा था, गुरुजी बोले यार डॉक्टर तू कैसा आदमी है, तू मेरा डॉक्टर है, वहां रिपोर्ट देखने गया था, चाट डालने गया था, कहते वहां दही डाल रहा, चटनी डाल रहा, उनका कल ऑपरेशन है। अच्छा मेरी डॉक्टरी जागृत हो गई। मैंने कहा हाँ गुरुजी हो तो गलत गया, और गुरुजी मैं क्या करूं। गुरुजी बोले अच्छा तू कल हॉस्पिटल जाना और उनका ऑपरेशन बताना कैसा रहा। मैंने कहा गुरुजी मैं इनके घर नहीं जाऊंगा, आप इनकी आपने जो कृपा की थी उस वजह से आज मेरे को आपसे इतनी सुनने की बात पड़ी। तो गुरुजी बोले अच्छा नेक्स्ट डे तू 5 बजे यहां आ जाना, तेरा जो आज समोसा चाय नहीं हुआ वो कल खिलाएंगे। नेक्स्ट डे गुरुजी पहुंच गए आराम से। जब वो 6:30 बजे नहाने जाते थे और नहा के जब 7 बजे निकलते थे तो उनके चोले से आवाजें आती थी, जिस दिशा में वो हाथ देख लेते थे उस दिशा में फ्रेग्रेंस चली जाती थी, और बिल्कुल अपनी गर्दन झुका के वो सब संगत को देखते हुए अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। और गुरुजी ने बाद में बताया कि वो ये इसलिए करते थे, वो सबके दुख गुरुजी में आ जाएं, सबकी परेशानियां गुरुजी समझ पाएं। देखिए कितने दयालु हैं वो, कितने दयालु हैं, जिनको वो जानते हैं, जिनको नहीं जानते, जिन्होंने अच्छे कपड़े पहने, जिन्होंने नहीं पहने, उन सबके कपड़ों का कोई लेना देना नहीं। और गुरुजी की कृपा से थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो अंकल अपने पूरे परिवार के साथ, जिनका बाईपास सर्जरी था, चले आ रहे हैं। तो पीछे एक डीजे अंकल थे सरदार जी, वो डीजे बजाते थे गुरुजी का, राजौरी गार्डन से, बहुत बुजुर्ग। तो मैंने उनसे पूछा यार ये थे, हाँ मैंने कहा इनकी तो बाईपास सर्जरी थी और मैं तो कुछ गड़बड़ कर आया, कल इनको चटनी अटनी खिला के आया। अब वो गुरुजी से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गुरुजी जब मेरी सर्जरी का नंबर आया तो मेरी एंजियोग्राफी की सीडी गायब हो गई, और डॉक्टर्स ने जब दोबारा एंजियोग्राफी की तो उसमें ब्लॉक नहीं था, उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। उन्होंने बोला 6 महीने बाद आके दिखाइएगा। और वो अंकल बड़े स्नेह में गुरुजी से दिखाने लगे, देखो आई एम फिट, और उन्होंने स्वीट्स और बहुत सारी चीजें गुरुजी को ब्लेस की। गुरुजी ने जब पीछे से मेरे को बुलाया तो हंसने लगे, कहते तू अपनी मर्जी से दही नहीं खा रहा था, तू अपनी मर्जी से चटनी नहीं खा रहा था, ये सब मेरी कृपा थी। तो यहां पर गुरुजी कुछ करते हैं, हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते, और उनकी कृपा को महसूस करना हमारे को बहुत जरूरी है। मेरी 98 में मैरिज हुई, मेरी वाइफ गायनकोलॉजिस्ट है जो कि कानपुर से ही है, डॉक्टर स्वीटी,
बहुत अच्छी गायनकोलॉजिस्ट, गुरु जी का बड़ा स्नेह प्यार सानिध्य मिला। गुरु जी के साथ टिकने के लिए सिर्फ एक फार्मूला है, आपको ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। वो कई बार आपकी हर्डल्स देके आपकी परीक्षा लेंगे और आपको उस परीक्षा में पास होना पड़ेगा। गुरु जी जैसे ही 7 बजे बैठे, बहुत मस्ती करते थे, जो मेरे को तो उनको सौभाग्य मिला उनको चुटकुले सुनाने का, उनकी लैप में लेटने का, उनके अंग प्रत्यंग को छूने का, सहलाने का। रुई जैसा उनका शरीर, उनके हर अंग से डिफरेंट तरह की फ्रेग्रेंस आती थी और वो दृश्य बहुत ही जबरदस्त होता था। और गुरुजी ने मेरी वाइफ को बोला कि स्वीटी कहाँ है, मैंने कहा मैं वो तो घर पे है। तो इससे पहले जब 5 से 6:30 में आंटी, जहां गुरुजी काफी समय रहे एम्पायर स्टेट में, जब वो आने लगी हम सबको 8-10-15 लोगों को अपना चाय प्रसाद देने, तो बीइंग ए डॉक्टर मैंने देखा कि उनको बहुत ज्यादा फीवर है। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और मैंने कहा आंटी आपको तो बहुत फीवर है, आप सेवा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे बगल में गुरुजी थे, उन्होंने बोला ये सुनते ही नहीं है, 8 दिन से फीवर है। मैंने गुरुजी को देखा, गुरुजी छत देख रहे थे। मैंने कहा जब गुरुजी नहीं सुनते तो हमने क्या सुनना। मैंने हाथ हटा लिया, शांति से बैठ गया। गुरुजी के आगे आगे नहीं चलना होता था, गुरुजी के हिसाब से चलना होता था। यही एक बहुत बड़ी समझ थी। उसके बाद गुरुजी अंदर गए, नहा के आए, लौटे, मेरे को बुलाया, बोले तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तो मैंने कहा गुरुजी वो तो आई नहीं, नई नई मैरिज हुई थी। गुरुजी ने कहा स्वीटी को फोन लगा। मैंने फोन लगाया, जब 4 कॉल चली गई तब तक मेरी वाइफ ने फोन नहीं उठाया, फोन मेरे पास था। 5वीं कॉल में जब मेरी वाइफ ने फोन उठाने वाली थी, फोन गुरुजी के पास था। गुरुजी ने मेरी वाइफ से बोला अरे तू क्या कर रही है, आंटी की तबीयत खराब है। अब गुरुजी के टाइम में ये पता नहीं चलता था गुरुजी उसकी इच्छा ही कर रहे हैं या उसको सही में काम दे रहे हैं। तो मेरी वाइफ बोली गुरुजी मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, कभी कभी आ जाती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए, ऐसे खिंचाई मत करिए, मैं आ जाती हूँ। गुरुजी बोले नहीं तू जल्दी से आ। तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी मैं तो गाड़ी चलाना जानती नहीं हूँ और डॉक्टर साहब ऑलरेडी चले गए। वी वी आर पुटिंग इन हरिनगर दैट टाइम इन 1st फ्लोर। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने बोला देख गाड़ी नीचे खड़ी है, व्हाइट गाड़ी नीचे खड़ी थी। मैंने अपने जीवन में गुरुजी को अपना एड्रेस नहीं बताया था। मेरी वाइफ शॉक्ड, अब गुरुजी बात कर रहे हैं टेलीपैथी से, कहते हाँ यही गाड़ी है। और मेरी वाइफ जींस और टॉप में थी घर में, कहते बस तू अब साड़ी मत पहनना। मेरी वाइफ सोच रही है कि अब गुरुजी बुला रहे हैं तो साड़ी पहन के जाना, कहते तू पाके आ जा जल्दी कुर्ता पजामा और नीचे गाड़ी खड़ी है तू आ जा। जैसे आप सब बैठे हैं ऐसे मेरी वाइफ एंटर हुई। वहां कोई डॉक्टर नहीं चलती थी, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं कि मैं अपनी वाइफ को एक फोन और करके बता दूं कि ये है ये है, यहां कुछ नहीं बताना होता था। अब गुरुजी कृपा देखिए, मेरी वाइफ आ रही है और गुरुजी यहां से बोलते हैं ले डॉक्टर आ गई, आंटी की तबीयत ठीक होने वाली है। जहां मालिक खुद रहते हैं, जहां मालिक ने खुद स्थान बना रखा है, उन आंटी को 24 घंटे सेवा करा रहे हैं, फिर भी उनके कष्ट प्रारब्ध को उन्होंने चलने दिया। जब मेरी वाइफ गुरुजी के पास पहुंची तो वो राइट हैंड में एक पेन और एक पेपर डायरी रखते थे, तो गुरुजी ने मेरी वाइफ को दिया। कहते मेरी वाइफ बोली गुरुजी मेरे पेशेंट्स होते हैं, मैं कम आ पाती हूँ, आप प्लीज सब देख रहे हैं ऐसा मत करिए, हम रोज आ जाया करेंगे। गुरुजी बोले नाना तेरी सेवा है तू मेरे रूम में ले जा। अब देखो आंटी को लेके मेरी वाइफ, जो गुरुजी ने पेन और कागज दिया था डायरी, वो लेके अंदर जा रही है। अब कहां बिठाए, गुरुजी के उस रूम में बैठे हमें सौभाग्य मिला, उनके पलंग में, उनके सोफे पे, उनकी कुर्सी पे, उनकी हर जगह बैठने का, गुरुजी के साथ एक थाली में खाना शेयर करने का। अब हम वो देखिए कैसे गुरुजी परीक्षा लेते हैं। अब आंटी उनको जमीन में लेटा दिया और उन्होंने चेक किया, मेरी वाइफ ने चेक करके इधर उधर की बात कर रहे थे। थोड़ी देर में जैसे ही गुरुजी की कृपा से वो बेडरूम से बाहर आई, गुरुजी की नजर उस कमरे में थी, ये है गुरुजी। मेरी वाइफ बहुत तेज से गुरुजी के पास आई, उसने कहा गुरुजी ये दवाई लिख दी। गुरुजी ने एकदम स्कैन की सारी दवाई और गुरुजी ने बोला ये दवाई मंगा ले बस आंटी ठीक। हम आए, हमने चाय ली, लंगर लिया, लंगर के बाद दोबारा चाय प्रसाद बनता था। दोबारा जब चाय प्रसाद बनता था तो मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर स्वीटी वाज शॉक्ड, आंटी वो चाय लेके आ रही थी। मैंने कहा जिसका फीवर अभी 2-3 घंटे पहले 104 था वो कैसे सेवा कर रही है? एंड वी वेर शॉक्ड। और जो हम जब हम ऐसे सोच रहे थे, गुरुजी ने हम दोनों को नजर से ब्लेस किया। आंटी को देखो, ये घर में रहते हुए भी 8 दिन उन्होंने दुख में रखा।
तो मेरे को सौभाग्य मिला गुरुजी से बहुत बातें करने का, कार में उनको ले जाने का, जैसे आपने सत्संग रखा है। ना जाने कितने सत्संगों में मैं गुरुजी को अपनी कार से लेके गया हूं, और कितनी उन्होंने मस्ती की, कितनी उन्होंने फ्रेग्रेंस दी, उन्होंने दुनिया के वो सब चीजें दिखाई जो आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ी देर में गुरुजी ने इसे, मैंने कहा गुरुजी स्वीटी का क्या लेना देना, मैं डॉक्टर आपका, स्वीटी तो आपसे मिलती भी नहीं है, आप स्वीटी को बुला के ब्लेस कर रहे हो। और आंटी जहां आप घर में रहते हो, हम सब डॉक्टरों की क्या औकात है, आपके फूंक से दुनिया चेंज हो जाती है, ये मैं जानता हूं, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरुजी बोले, उनको ये बताना था कि मैं किसी का नहीं हूं, जिसका जो भाग प्रारब्ध है वो झेलना ही पड़ेगा, वो मैं कम कर सकता हूं, खत्म नहीं कर सकता। और तेरी वाइफ को ये बताना था कि उसे लगता है कि डॉक्टर साहब को गुरुजी ज्यादा बुलाते हैं, कि तू बेशक अपना काम कर, मेरे को तेरे बारे में पता है और मेरी कृपा तेरे साथ है। बिलीव करना, मेरी वाइफ ने कभी इलीगल एबॉर्शन नहीं किया, कभी जबरदस्ती कोई सिजरन नहीं किया, ये कृपा गुरुजी की है। और गुरुजी जब मेहर बख्शते हैं ना, तो उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुजी के यहां हंसराज हंस, गुरदास मान और न जाने कितने लोगों को गाने का मौका मिला। जहां गुरुजी की समाधि बनी है, एक बार बर्थडे थी गुरुजी की, गुरुजी के उस जगह पर जहां समाधि बनी है, वो शुरू से गुरुजी ने जगह खाली छोड़ी हुई थी, और उस जगह पर गुरदास मान गा रहे थे। तो गुरुजी ने मेरे को बुलाया, बहुत भीड़ थी, अभिषेक बच्चन और राकेश रोशन गुरुजी के अगल बगल बैठे हुए थे, वो फॉलोअर हैं गुरुजी के। शाहरुख खान की वाइफ फॉलोअर है गुरुजी की, हेमा मालिनी गुरुजी की फॉलोअर हैं, जो पुराने अपने प्रणव मुखर्जी थे वो गुरुजी के फॉलोअर हैं, के पॉल जो गवर्नर हैं उत्तरांचल के और सीपी रहे दिल्ली के, वो गुरुजी के फॉलोअर हैं। मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी गुरुजी के फॉलोअर हैं। मेनका गांधी, वरुण गांधी गुरुजी के फॉलोअर हैं। और ना जाने कितने लोग जो गुरुजी से कृपा लेके तर गए। एक जमाना था इसी आपकी यूपी में, जब बीजेपी के कोई लोग लोकसभा से इलेक्शन नहीं जीते थे, गुरुजी की मेहर से मेनका गांधी और वरुण गांधी दो बीजेपी की सीट आई थी, जब समाजवादी पार्टी का राज चल रहा था। तो ये कृपा बहती है, आपको बहना आना चाहिए। रमा पायलट, जो राजेश पायलट की वाइफ, उनको गुरुजी से मिलने का सौभाग्य मिला, और सचिन पायलट को मिलने का सौभाग्य मिला। जब वो लोग सेवा करते थे तो लगता था इस समय कैसे क्या होगा, देखिए गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया। अरुण शौरी मेरे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरुण शौरी की वाइफ को पार्किंसोनिज्म है, जिसका मेडिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो किसी ने बताया कि ये गुरुजी हैं जो एम्पायर स्टेट में हैं और आप अपनी वाइफ को ले जाइए, तो वो उन्होंने एक बुक लिखी, अरुण शौरी ने, वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में मंत्री थे, तो उन्होंने बुक लिखी कि देयर इज नो गॉड, भगवान नहीं होता इस धरती में। आप कल्पना करिए, एक व्यक्ति की जो अपनी वाइफ का तो ट्रीटमेंट कराने आया है, और गुरुजी को वो किताब बैठने की दम, गुरुजी को गिफ्ट करने की वो किताब अपने हाथों से लिखी, वो गिफ्ट करने की दम रख रहा है। जिगरा चाहिए, जिगरा आसान नहीं है जिंदगी में, पार्किंसोनिज्म का इलाज नहीं है, एज ए डॉक्टर मैं कन्फेस कर रहा हूं। वो अपनी वाइफ को तो गुरुजी से ठीक कराने आया है, और कंट्रेरी वो कह रहा है कि इस धरती पे भगवान नहीं होता। क्यों? उसको जो भी, चाहे इस जिंदगी में इतने दुख मिले, उसकी वाइफ को पार्किंसोनिज्म हुआ, उसके बच्चे को दिक्कत हुई, गुरुजी ने वो किताब ली, बड़े प्यार से खोली, पढ़ी। मैं बगल में था, कहते यार भगवान तो होता नहीं है डॉक्टर। मैंने कहा बताओ, गुरुजी कह रहे हैं। और रोज उस किताब को पढ़ते थे अपने बगल में रह के। अब देखिए अरुण शौरी का जिगरा, गुरुजी ने उनकी वाइफ को जहां आंटी बैठी हैं वहां पे लिटा दिया, रजनी आंटी जहां बैठी हैं और बड़े ध्यान से सत्संग सुन रही हैं, आप भी आनंद लीजिए सब। तो वो वहां लिटा दिया, और गुरुजी अपनी चाय प्रसाद को पी के, उस जमाने में बहुत ही कड़वी चाय बनती थी और उसमें चाय की पत्ती रहती थी, उस चाय की पत्ती रहती हुई गुरुजी ने अपना थोड़ा प्रसाद उनकी वाइफ को दे देते थे। और उन्होंने उसको लेटे लेटे, कल्पना करिए उस दृश्य का, कि लेटे लेटे उन्होंने पिया उस प्रसाद को, उनको बड़ा आनंद आता था। और अरुण शौरी एज ए मिनिस्टर कहते थे, यार डॉक्टर बड़े गड़बड़ काम है, ये कैसे गुरुजी सिल्क का कुर्ता पहनते हैं, लेडीज से पैर दबाते हैं, कोई चंदन नहीं कुछ नहीं, क्या ड्रामा कर रखा है इन्हें, और तुम भी यहाँ खड़े रहते हो। मैंने कहा सॉरी साहब, यहाँ कोई दोस्ती का जरिया नहीं, यहाँ तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैं खुद यहाँ मांगने आता हूँ, सारी दोस्ती बाहर।
गुरुजी कहते थे सारी औकात, सारी जो आपकी तमन्नाएं हैं, जो डिग्री हैं, जो पैसा है, जहां जूते उतारते वहां उतार आइए। जिस दिन उतारना सीख जाओगे पाना अपने आप मिल जाएगा। मैंने कहा अरुण सॉरी जी आप बात मत किया करिए। धीमे धीमे उस चाय प्रसाद से कभी उनको फंदा लग जाता था, अरुण सॉरी कहता था यार अभी सांस में चला जाए तो मर जाएंगे। मैंने मन में सोचा कि 25 साल लेटे लेटे गुजार दिए तब कुछ नहीं कर पाए मंत्री जी, और जब गुरुजी कुछ कर रहे हैं तो कानून निकाल रहे हैं। ये हम सबकी आदत होती है, हम सबकी आदत होती है। गुरुजी अक्सर कहते थे कि यार मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, और लोग बताते मेरा ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, और बोले मैं जब लोगों के काम कर देता हूं तो लोग शुक्राना करने भी नहीं आते, थैंक्स भी नहीं बोलते। डॉक्टर लोग इतने निकम्मे हैं। और गुरुजी फिर मजे लेते थे, किसी किसी आंटी अंकल से बोलते थे आपका वो काम हो गया, बोले हाँ गुरुजी थैंक यू 2 साल पहले हो गया था। बताइए 2 साल से गुरुजी याद नहीं आए, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो 2 पल गुरुजी को नहीं जीने दिया। तो हम इतने निमाने हैं, हम इतने थैंकलेस हैं कि हम उनको सिर्फ थैंक यू भी नहीं बोल पाते। अब देखिए गुरुजी की लीला, अरुण शौरी जब आते थे गुरुजी के पैर नहीं छूते थे। एक दिन मैं और चीफ सेक्रेटरी गुरुजी के पैर दबा रहे थे, अरुण शौरी आए, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी आज मैं ना इसकी गर्दन दबाने वाला हूं। कहते नो फोर्स डील, तेरे को भगा दूंगा यहां से। मैं कहा गुरुजी बड़ी बेइज्जती का मामला है, इसकी बीवी को आप ठीक कर रहे हो, ये नमस्ते भी नहीं करता, किताब देता है कि देयर इज नो गॉड। कहते तू क्या चाहता है? कहते ये इत्थे भरतनाट्यम करेगा एक दिन डॉक्टर। एंड ऐसा ही हुआ, वो उसकी वाइफ बैठ गई, बैठ के खड़ी हो गई। आसान नहीं है ये काम, ये सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। और उसके बाद जैसे ये लंगर कर रहे हैं आप लोग, ऐसे वो लंगर प्रसाद सर्व करती थी हम सबको। एक दिन फिर गुरुजी अपने 2 घंटे पूजा करते थे, 2 घंटे बाद गुरुजी ने मेरे को बुलाया, कहते भाई आज भरतनाट्यम देखेगा? देखो मैं तो भूल चुका था वो बात। कहते तेरे दोस्त को बुला ला। मैं गया, मैंने कहा मंत्री जी का टाइम आ गया आज, बहुत दिन दुखी किया है। मैंने कहा मंत्री जी बुला रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने ऐसे ही खड़ा कर दिया सामने। कहते भाई भगवान होता है? कहते नो देयर इज नो गॉड। कहते आज तुझे को भगवान दिखाते हैं। अब आप देखिए क्या करिश्मा कर रहे हैं मालिक। वो व्यक्ति हट योग बहुत आसान नहीं है, उसकी वाइफ वहां से ठीक हो रही है और वो कहता है भगवान नहीं है। आसान है? हमारे आप में दम है हम भगवान को गाली देके निकल जाएं? किसी में दम नहीं है। तो गुरुजी ने किसी को फोर्स डील से नहीं किया, किसी को प्रेशराइज नहीं किया, और गुरुजी ने बोला तू खड़ा हो जा सामने, आप बिलीव करना। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, वो भरतनाट्यम के पोज पर खड़े हो गए। गुरुजी का चेहरा चेंज, उनका चेहरा चेंज। गुरुजी ने इंग्लिश में बात करनी शुरू की, इज देयर गॉड? कहता यस। कहते व्हाट यू आर सेइंग दैट देयर इज नो गॉड? गुरुजी को 32 भाषाएं आती थी। उनका करिश्मा देख के हम सब दंग रह गए। कहते तुमने तो लिखा है यू हैव रिटन ए बुक देयर इज नो गॉड। अरुण शौरी बोलते हैं आई वॉज गोइंग इन द रॉन्ग स्कूल। तो गुरुजी बोले वेयर इज द गॉड? कहते यू आर द गॉड एंड हियर द गॉड लिप। एंड इस कल्पना की आप कल्पना करिए कि जो व्यक्ति गुरुजी के पैर नहीं छूता था उसने क्या सेवा की। हम सब बेगाने हैं। उसके बाद गुरुजी ने कभी नहीं कहा उनसे कि तुम पैर छूना, मेरी सेवा करना। वो आते थे और उनका पसीना गुरुजी के ऊपर गिर जाता था। कहते भाई डॉक्टर ठीक कर रहा? अरे मैं कहा गुरुजी ज्यादा हो गया, ये तो इतना टाइट थोड़ी नहीं करना था। कहते भाई तुम सबको बड़ा दुख लगता था कि पैर नहीं छूता। वो क्या साष्टांग मारते थे, मुरली मनोहर जोशी एज HRD मिनिस्टर। मैं एक दिन बैठा था, गप लगा रहा था गुरुजी से। गुरुजी ना मजे लेते थे। एक आंटी मान लो बैठे हैं, कहते यार ऐसी साड़ी बहुत अच्छी है। मैं कहा हाँ गुरुजी, अब जब गुरुजी कह रहे हैं अच्छी है तो तुमने क्यों पंगे लेना? कहते अच्छी है भाई। अब गुरुजी बोले लेकिन ये ना बात ज्यादा करती है। कहते अभी आएगी, इसकी लड़की की शादी नहीं हुई है, तो तुम आज आके बता देना कि मैं मौन व्रत में हूं। मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी, देखो मैं झूठ उठ नहीं बोलूंगा, मैंने झूठ नहीं बोला। तो एक बगल में शर्मा जी बैठे थे, उनसे गुरुजी ने बोला यार तू बोल देना आज मैं मौन व्रत में हूं, इसकी लड़की की शादी नहीं हो रही, मैं भी परेशान हूं, और ये मेरे से पूछेगी मैं जवाब क्या दूंगा। तो शर्मा जी भी पीछे हट गए। इतनी देर में वो लेडी आ गई। अब जब लेडी आई आगे तो वो गुरुजी बोले अच्छा तुम लोग नहीं बोलोगे, ठीक है मैं ही कुछ करता हूं। आप बिलीव करना कि ये मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। अगर आज मेरे माँ बाप ने मेरे को पैदा किया और जिस शक्ति ने मेरे को डॉक्टर बनाया और जिस शक्ति ने गुरुजी से मेरे को मिलवाया, उस शक्ति का शुक्राना। इसलिए मैं किसी से नहीं डरता, और रही सही कसर गुरुजी हमें मिल गए।
तो आप देखिए गुरु जी का करिश्मा, जब वो लेडी अपने हस्बैंड के साथ आती है तो गुरु जी उससे कहते हैं, भाई क्या हाल है तेरे? कहते बहुत बढ़िया गुरु जी कृपा है। कहते तेरी लड़की की शादी नहीं हो रही? कहते अरे गुरु जी आपकी कृपा से हो जाएगी। कहते वो बाहर चली गई, जहां से अंकल आ रहे हैं मुश्किल से इतनी दूर हस्बैंड वाइफ पहुंचे। गुरु जी बोले देखो ये लड़ाई करेंगे अभी, आप बिलीव करना वो हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं। करे देखा मैंने बात नहीं करने दी, उनकी सेवा करना, उनका शुक्राना करना, उनका काम करना, वो सिर्फ इज्जत बख्शते हैं हम सबको, कोई कुछ नहीं कर सकता उनका। सिद्धार्थ मोहन अपने लिए मैं दम से कह के जा रहा हूं, और मैं अपने लिए आया हूं, और जिस दिन मैं सिद्धार्थ की इसलिए इज्जत करता हूं क्योंकि सिद्धार्थ को गुरु जी की कृपा है थोड़ी, ये मैं आज कह के जा रहा हूं, आज कह के जा रहा हूं। आज सबके लिए ये दिन नोट होने वाला है, मैं ऐसे ही नहीं आया। मेरा बच्चा पंजाब में गया है बड़ा, जिसकी काउंसलिंग चल रही है। मेरे दो ट्विंस बच्चे हैं जो गुरु जी से ब्लेस्ड हैं, उनको छोड़ के आया हूं मैं कुछ विशेष काम के लिए आया हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर सेवा करना और सेवा को सुनना दोनों ब्लेसिंग के माध्यम है। तो पता नहीं उन्हें हमें क्या ब्लेस करना होगा, मेरी अपनी धरती है यूपी, उस धरती की मिट्टी से मेरे को क्या ब्लेस करना होगा, इसलिए आया हूं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ अपने लिए आया हूं, ये मैं बताना है। ठीक है, आप उस रास्ते में सिद्धार्थ मोहन गा रहे हैं, आपने गाना सुना बहुत अच्छा, नहीं सुना तो बंद थोड़ी नहीं कर दिया। तो ऐसे ही मैं सत्संग करने आया हूं, मैं अपनी सेवा करने आया हूं, मैं सेवा से यह विश्वास दिलाता हूं जो मेरा गुरु जी के साथ कनेक्शन है कि इससे बड़ी जगह आप देख नहीं सकते। मैं वे बैक 92-93 में अर्जुन सिंह के साथ डॉक्टर था, अर्जुन सिंह की मिनिस्ट्री खत्म हो गई, बीजेपी की सरकार आ गई, बहुत ही राजा टाइप में रहते थे। मेरे को लगा कि यार इनको गुरुजी से मिलाना चाहिए, लेकिन मेरे को ये भी लगा कि जब ये एचआरडी मिनिस्टर थे तब मेरे मन में ख्याल क्यों नहीं आया। लेकिन यहाँ रिग्रेट नहीं है, यहाँ पे ना रिग्रेट नहीं है, माफ़ी नहीं है यहाँ। यहाँ ऐसा नहीं है कि मान लो गुरुजी के रहते मैं गुरुजी को यूपी नहीं ला पाया, तो आज जब मेरे मन में गुरुजी ने डाला तो मैं आज काम नहीं करूंगा तो पाप का भागीदार हूं। कल गुरुजी ने मेरे काम में हाथ में नहीं डाला था, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे को गुरुजी ने अपोलो टायर्स के यहाँ रिपोर्ट देखने भेजा था, बट मैंने वहां चाट खाई, गुरुजी जिम्मेदार हैं उसके, और उन्होंने करके दिखाया कि उनकी कृपा के बिना आप पत्ता नहीं हिला सकते। तो तब उनकी कृपा को बहने के लिए आपको माध्यम बना रहे हैं, गुरुजी को जरूरत नहीं किसी की। मैंने आपसे बताया कि जब शुरू शुरू में मैं जाता था तो मेरे को लगता था मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, लोग कहते थे गुरु जी का डॉक्टर। ऐसी संगत में 2-4 हजार लोग हमारे भी साष्टांग मार देते थे। तो मैंने कहा एक दिन गुरु जी ने कृपा की, गुरु जी ने मेरे से कुछ मंगाया, गुरु जी का गला खराब था, मैं गुरु जी के लिए चाय लाया, उसमें मैंने एक मेडिसिन डाली, डाल के गुरु जी बोले बैठ जा। इतनी देर में मैंने देखा एक अंकल आंटी और बहुत सारे लोग जो गुरु जी के बहुत फॉलोअर थे, जब वो घर जाते थे तो डिफरेंट फ्रेग्रेंस होती थी, तो उनके जो फादर इन ला थे उन्हें लगता था कि ये लोग सब कहाँ जाते हैं, कौन से पब में जाते हैं, कौन सी पार्टी में आते हैं, हंसते हुए चले आते हैं। तो उन्होंने डिसेक्शन किया, उन्होंने कहा कि भाई बताओ कहाँ है तुम्हारे गुरुजी और हम चलेंगे। तो वो एक दिन चले उनके फादर इन ला, और जब चले तो उन्होंने देखा कि गुरुजी के पास जैसे जैसे वो जाते जा रहे हैं वो गुरुजी के होते जा रहे हैं, और गुरुजी के एकदम चरणों में बैठ गए। और उनको बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस थी, और उस अर्थराइटिस में गुरुजी ने एक अपना हाथ लगाया उनके पैर में और अपने पैर में लगा लिया, और दूसरे उनके पैर में हाथ लगा के अपने पैर में लगा लिया, और ऐसे जब वो खड़े हुए तो उनकी जो है अर्थराइटिस खत्म हो गई, और गुरुजी की कृपा से उनकी अर्थराइटिस खत्म हो के, और जैसे ही गुरुजी खड़े होने लगे अचानक तो गुरुजी ने मेरे कंधे का सहारा लिया और गुरुजी की स्वेलिंग बढ़ती चली गई। और जब मैं बेडरूम पहुंचा तो मैंने देखा गुरुजी ने जैसे ही चोला हटाया उनकी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और गुरुजी बहुत दर्द में थे। गुरुजी ने बोला डॉक्टर जल्दी से इंजेक्शन लेके आओ। तो मैंने जो चीज़ विटनेस की थी, मैंने कहा गुरुजी आज मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने आज देखा है कि आपने परेशानी खुद मोल ली है। गुरुजी मेरे को समझाने लगे, गुरुजी बोले ये इसका भाग्य प्रारब्ध था कि इसको इससे आराम नहीं मिलने वाला था, बट इसकी जो लड़की, इसकी बीबी बहू जो यहाँ पे बैठे थे उनको वो इतने श्रद्धावान हैं कि इनको बताना था कि ये सच्ची जगह आते हैं तुम्हारे परिवार के, इसलिए इसका भोग मेरे को लेना पड़ा। और वो भोग हम लोगों से अपने फिजिकल फॉर्म में उतारते थे। तो मेरे को बहुत खराब लगा उस दिन पहली बार जिंदगी में गुरु जी से जुड़ने के बाद, कि मैंने कहा यार ये तो गुरु जी हमें इज्जत बख्शते हैं। तो हम गुड़गांव गए और एक अंकल थे बख्शी अंकल, उनके साथ इंजेक्शन्स लेके आए,
और मैं सुबह शाम गुरुजी के पास इंजेक्शन लगाने आता था 5 दिन गुरुजी के, बिल्कुल लिटरली जैसे हम सबके दर्द होता है ऐसे गुरुजी के दर्द रहता था, और गुरुजी बैठते थे अपनी जगह पे। और उसके बाद जब उस दर्द से गुरुजी को आराम मिला तो गुरुजी की कृपा से जब नेक्स्ट एकदम मॉर्निंग में गुरुजी कई बार ब्रेकफास्ट लंच और शाम को कई लोगों को बुलाते थे, तो ब्रेकफास्ट जैसे ही इंजेक्शन लगाया गुरुजी बोले यार डॉक्टर अब मेडिसिन शुरू कर देते हैं, इंजेक्शन बंद कर दे। मैंने कहा गुरुजी काफी आराम है, क्योंकि गुरुजी के इंजेक्शन लगाना आसान काम नहीं था, उनका शरीर इतना सॉफ्ट था कि मेरे को बहुत खराब लगता था कि मैं ये मतलब सुई उनको पिन कर रहा हूं, लेकिन वो सेवा है तो सेवा करनी है। तो मैंने मेडिसिन शुरू की तो गुरुजी ने आगे हाथ बढ़ाया और बोले डॉक्टर साहब थैंक यू। मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी मैं तो बच्चा हूं आपका। कहते नहीं डॉक्टर साहब ही होता है, और ये मैं थैंक यू तुझे दे रहा हूं तो इसको फील कर। मैंने जब उन्होंने दोबारा हाथ मिलाया तो मैंने फील किया कि कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई। कहते थैंक यू बहुत जरूरी है जीवन में, लोग हमारे पास आते हैं काम करा ले जाते हैं और थैंक यू तक नहीं बोलते, शुक्राना भी नहीं बोलते। उन्होंने शब्दों में ये बता दिया कि हम कम से कम जो भी हैं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं इंचार्ज हुआ, अगर हम शुक्राना करना शुरू कर देते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा है, आपकी मेहर है, विश्वास मानिए उनकी शक्तियां आपके प्रति बढ़नी शुरू हो जाएंगी। उस फीलिंग को आप लेके चलिए, उस बात को लेके चलिए कि कैसे गुरुजी आप पर कृपा करेंगे और कैसे आप उस फीलिंग को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। तो उन्होंने इशारे में समझा दिया कि हम गुरुजी से बहुत सारी चीजें तो बोल देते हैं, मांग लेते हैं, लेकिन हम उनको थैंक यू भी नहीं कर पाते। अभी देखो हमें कोई भोग नहीं लगाना, गुरुजी के यहाँ तो हमें उल्टा मिलता है। यहाँ पे जो जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, मेरे को देख के आज बहुत दुख लगा कि ये जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की प्लीज बहुत इज्जत करिए, बहुत इज्जत करिए। इससे ना जाने कितने लोगों की दवाइयाँ, बीमारियाँ, परेशानियाँ दूर हुई हैं। इसको ऐसे अनादर मत करिए, इसकी एक एक बूंद, पता नहीं अरुण शौरी की वाइफ जो गुरुजी की झूठी चाय का लास्ट तिनका पीती थी, लोगों को दिखा दिया कि पार्किंसोनिज्म ठीक हो गई। तो हम सबकी तो परेशानियां शायद उस पार्किंसोनिज्म से बहुत छोटी हैं। तो इसलिए हम उन चीजों की रिस्पेक्ट करें और इस चीज को महसूस करके हम आगे बढ़ते रहे। हमने आपसे बताया कि सबसे जरूरी होता है जब आदमी के खुद पड़ती है तब उसको सबसे समझ आता है कि भगवान क्या होता है। मेरी 98 में मैरिज हुई, गुरुजी के पास गए, गुरुजी के पास जाने के बाद बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो गई। तो हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, उसके स्टोन्स थे, कानपुर मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS की, PG की। तो हमारी सारी दुविधाएं, परेशानियां सब गुरुजी से शुरू होती थी। इवन हमने अगर किसी से लड़ाई भी की तो वो गुरुजी के बता के की, मैंने बता दिया गुरुजी से लड़ाई करनी है। तो आप देखो गुरुजी की लीला, जब हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, वाइफ और हम अल्ट्रासाउंड लेके, हमने बताया गुरुजी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और इसके स्टोन्स हैं, डॉक्टर्स ने बोला है कि पहले स्टोन रिमूव हो जाए तब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें। गुरुजी ने थोड़ी देर सोचा, गुरुजी ने बताया कि नहीं तू प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर, मैं देखूंगा, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। उसके बाद प्रेगनेंसी चलती रही। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरी वाइफ को थोड़ा बहुत फीवर हुआ, हम लोग कानपुर आए हुए थे, हमने गुरुजी को फोन किया, गुरुजी बोले तू अपनी डॉक्टरी कर ले, लौट के मिलना 30 दिन के अंदर जब दिल्ली आ जाए। वैसे ही हुआ, उसको मलेरिया हो गया था, हमें दवाई देनी पड़ी। उसके रिटिन इफेक्ट्स हैं मलेरिया के, कि वो ड्रग मदर और बच्चे को दोनों को डेंजर करती है। लेकिन गुरुजी के मेहर देखिए, जब हम गुरुजी से मिले सब अच्छा था। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो मेरी वाइफ को स्टोन्स थे किडनी में, जो जब वो MBBS कर रही थी, PG कर रही थी और डर से उसने ऑपरेट नहीं कराया था, वो गुरुजी कृपा से वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में उस स्टोन्स की वजह से उसको स्वेलिंग आ गई, फीवर हो गया। कल्पना करिए हम दो लोग अकेले रहते हैं दिल्ली में, मेरी VIP ड्यूटी है, बहुत टाइट शेड्यूल में रहता हूँ, मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, बहुत टफ पोजिशन में हम आ गए। और हमको दिन भर टेस्ट कराते हुए शाम को हॉस्पिटल जाना पड़ा। और डॉक्टर्स दिनेश सुमन थे जो यूरोलॉजिस्ट, उन्होंने बड़ा डांटा कि तेरे को बताया था कि प्रेगनेंसी से पहले ये रिमूव कराने स्टोन, लेकिन तू माना नहीं। और उसके बाद सब करते करते 11:30 बज गए, हमें गुरुजी की एकदम अचानक याद आई। हमने डॉक्टर से बोला कि सर हम लोग कुछ सामान लेके घर से वापस आते हैं, बट हम अपने घर नहीं गए, हम गुरुजी के दरबार चले गए। उनकी कृपा थी, हम किसी समय गुरुजी के पास जा सकते थे। जब हम गुरुजी के जगह पहुंचे तो गुरुजी वहां नहीं थे,
अगर आप लोग गए हो तो मैरालोनी में जो जैन मंदिर है दादा बड़ी के सामने, गुरुजी उस दादा बड़ी में गए हुए थे। तो राजू जो ड्राइवर था गुरुजी का, उससे पता चला कि गुरुजी वहां किसी संगत के साथ गए हैं। मैं करीब 12:30 बजे उस सुनसान बीहड़ पहाड़ी में पहुंच गया अपनी वाइफ को लेके। अब देखिए मेरे साथ कोई नहीं, मेरे फादर डॉक्टर, मेरी मदर इन लॉ, नई मैरिज, फर्स्ट चाइल्ड, कितनी बुरी तरह मैं परेशान रहा हूंगा। जब मैं पहुंचा तो जैसे ही राइट साइड में गुरुजी का दरबार है, गुरुजी ऐसे मुड़ेर पे बैठे हुए थे पैंट शर्ट पहन के, तो उस अंधेरे में हमें दिखाई नहीं दिया। मेरी वाइफ ने बताया कि गुरुजी बैठे हैं। हम बहुत खुश हो गए, हमने कहा अब गुरुजी मिल गए, अब गुरुजी देखेंगे। हम लोग कार से उतरे, आगे आए, गुरुजी बोले डॉक्टर इतनी रात किस लिए आया तू? मैं कहा गुरुजी ये स्वीटी आई हुई है। कहती है यार ये तो पहचान में नहीं आ रही, इतनी मोटी हो गई। मैंने कहा प्रेगनेंसी है, इसे स्वेलिंग हो गई गुरुजी, स्टोन है। मैंने कहा आपको समझाया था कि स्टोन का ऑपरेशन कराने दो, आपने कह दिया नहीं मैं देखूंगा और प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर दी। गुरुजी हंसने लगे, कहते बैठ जाए यहाँ। और बैठ के देखिए 1 बजे मालिक ने वहां लंगर अरेंज किया दूसरी जगह। ये है भगवान। जब हम लंगर कर रहे थे तो हमें ध्यान आया कि मैंने तो सुबह से आज कुछ खाया ही नहीं है, देखिए कैसे भगवान है। और हम और स्वीटी गुरुजी को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और ये लग रहा है कि गुरुजी ना निकल जाएं, नहीं किससे बात करेंगे। लंगर खाया, गुरुजी बोले यार जाओ, ये डॉक्टर डॉक्टर सब पागल आदमी होते हैं, तुम आराम से जाओ, 3 दिन बाद अपनी वाइफ को लेके आना। तो वहां जो 2-3 अंकल गुरुजी की सेवा में थे, मैं भी सेवा में रहता था क्योंकि पड़ी अपने पे थी, तो मैंने उनसे कहा गुरुजी पंजाबी में क्या बोल रहे हैं? कहते डॉक्टर साहब आज आपके पड़ गई तो पंजाबी भूल गए आप, यही कह रहे हैं जो आप समझ रहे हो। मतलब मैं कह रहा हूं कि 3 दिन बाद मैं तो आ जाऊंगा, मेरी वाइफ को कैसे लाऊंगा? कहते गुरुजी से पूछो, गुरुजी से कौन पूछेगा? तो कहते हाँ यही कह रहे हैं। अब देखो हम जा रहे हैं गुरुजी को देखते हुए, गुरुजी बोले जा छुट्टी, छुट्टी मीन्स गायब, आप रह नहीं सकते वहां, कितने बड़े हो आप। अच्छा हम लोग फिर जबरदस्ती पैर छूने, कहते यार की कर रहा है, फिर से बोल दिया जा 3 दिन बाद आना है। अब देखो बात नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे आएंगे, वाइफ का तो ऑपरेट हो जाएगा। अब चल दिए कार में, जब तक गुरुजी के साथ थे सारी परेशानियां जीरो। अब कार से जैसे ही चलने शुरू किया डॉक्टरी शुरू हो गई। मैंने कहा यार ये ऑपरेशन कर देंगे, वाइफ को कैसे ला पाएंगे, बहुत परेशान मैं। खैर घर से कुछ कपड़े लेके पहुंच गया मैं हॉस्पिटल। यहां पर आपको सरेंडरेंस करनी पड़ेगी, यहां पर दिल से मानना पड़ेगा कि गुरुजी कुछ करने वाले हैं। पतंग कब उड़ती है? जब उसमें हम ढील देते हैं। पतंग को अगर खींच के रख लेंगे तो पतंग से कटती है, पतंग उड़ती नहीं है। तो गुरुजी कृपा से हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हमने कहा गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, हमारी सेवा में गुरुजी ने मेहर बख्शी हुई थी। उसके बाद आप देखिए सुबह फर्स्ट ऑपरेशन था, मेरी वाइफ का सेकंड नंबर था, वो ऑपरेशन फर्स्ट लेट हो गया। डॉक्टर दिनेश सुमन हमारे रूम में आए, पता नहीं गुरुजी ने कहां से वाइब्रेशन डाला, मेरे मन में आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक अल्ट्रासाउंड और कर लेते हैं। कहते यार मजाक बना दिया तूने अपनी वाइफ डॉक्टर का, प्रेगनेंसी का, मेरी वाइफ को बोलने लगे। उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड किया तो जो उसकी ग्रॉस हाइड्रोनोप्सिस थी वो कम हो गई, देखिए गुरुजी क्या करते हैं। और जो उसका जो यूरिन नहीं आ रहा था वो आना शुरू हो गया, फीवर कम हो गया। तो डॉक्टर दिनेश सुमन बोले कि 6 महीने की प्रेगनेंसी है यार, देखते हैं कल और अच्छी प्रोग्नोसिस हुई तो डिस्चार्ज कर देंगे और स्टोन आप प्रेगनेंसी के बाद रिमूव करेंगे। नेक्स्ट डे और उसका वजन अच्छा हो गया, फीवर सबसाइड हो गया और यूरिन आना शुरू हो गया, उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। जब डिस्चार्ज कर दिया तो मैं भी इसी समय हम लोग घर पहुंचे, और जैसे ही घर पहुंचे ताला खोला, गुरुजी की वाइब्रेशन, इंस्टेंट फ्रेग्रेंस पूरे घर में। मेरी वाइफ को याद आया गुरुजी ने बुलाया था आज। हम लोग फटाफट नहाए और नहा के गुरुजी के पास, और जैसे ही एम्पायर स्टेट में हम उतर रहे थे गुरुजी बोले दिखा यार तेरी वाइफ का कहां ऑपरेशन किया। मैंने कहा गुरुजी ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेकिन हम दोनों वीआईपी ड्यूटी में, ये ठीक नहीं है, हम इतनी सेवा करते हैं दिल से, यहां हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। गुरुजी हंसने लगे, कहते जा आज से तेरा कोई स्टोन नहीं, कुछ नहीं, आराम से तेरी वाइफ अपनी ड्यूटी लास्ट डे ऑफ द प्रेगनेंसी तक जाएगी और तू अपनी ड्यूटी करेगा, ये है भगवान। मेरी वाइफ जिसके 10 साल से स्टोन थे, उस डर से जब उसने सर्जरी नहीं कराई, आज तक आंटी ने, बिनु आंटी ने कहा था हम सबको आना था, लेकिन मेरे बड़े बेटे की काउंसलिंग की वजह से हम नहीं आ पाए। और गुरुजी कहते थे अगर फैमिली से एक आदमी भी आ पा रहा है तो मेरी कृपा पूरे परिवार पर है। तो गुरुजी मेहर बख्शे सबको, तो वो अगर आते और वो सत्संग शेयर करती तो आपको बड़ा मजा आता, क्योंकि जो सत्संग बन गया वो हमारी इमरजेंसी थी, वो हमारा दुख था
जो आज सत्संग बन गया। आप देखिए गुरुजी की मेहर से मेरी वाइफ खड़ी हो गई, कहते पता कहाँ ऑपरेशन हुआ तेरा, कहती नहीं गुरुजी ऑपरेशन तो नहीं हुआ लेकिन मैं गायनकोलॉजिस्ट हूं, ऐसे छुट्टी नहीं मिलती गवर्नमेंट में। गुरुजी कहते जा तू लास्ट डेट तक अपनी जाएगी हॉस्पिटल और ये डॉक्टर अपना काम करेगा, तेरे स्टोन गायब। एंड उसने एकदम पेन महसूस किया और उसके बाद उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रेगनेंसी का टाइम आ गया, मेरा जो बड़ा बच्चा जो इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग पे जा रहा है गुरुजी की मेहर से, वो 2030 जून, अभी चार दिन पांच दिन पहले उसकी बर्थडे निकली है, 30 जून 2000 को उसकी डिलीवरी हुई। और उसके कुछ दिन पहले वाइफ के मन में आया कि गुरुजी से ब्लेसिंग लेके आते हैं, मैंने जो स्टोन नहीं निकल पाए थे सीजरिन की वजह से, मेरे को नहीं चाहती हूं मैं वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हमारा सारे जिम्मेदार भगवान गुरुजी थे और हमें सौभाग्य था उनसे बात करने का। तो मेरी वाइफ ने मेरे को पीछे बुलाया और बुला के बोला कि आप गुरुजी से बोलो कि मेरी सीजरन ना हो, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। गुरुजी की नजर सब पे रहती थी, उन्होंने बुलाया, कहते भाई की कर रहा है, मैंने कहा स्वीटी मेरी वाइफ कह रही गुरुजी के मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो और सीजरन ना हो। कहते तू मेरे वकील है, आर यू माई एडवोकेट, मैं कहा नहीं। कहते खड़ा हो जा किनारे, बुला उसको, मेरी वाइफ आ रही है गुरुजी के पास। देखो गुरुजी से मिलना आसान थोड़ी नहीं था, करंट लगता था करंट। अब गुरुजी के पास आई, कहते तू अपनी बात बता। तो मेरी वाइफ ने बताया कि गुरुजी मेरे को ऑपरेशन से बड़ा डर लगता है और मैं चाहती हूं मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। गुरुजी बोले ना तेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तेरा तो सीजरन होगा, तू बर्दाश्त कर कि तुम सब डॉक्टर्स पेशेंट के साथ क्या करते हो, उस दर्द को महसूस करो। और गुरुजी बोले छुट्टी जाओ, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। मेरी वाइफ हार्डली थोड़ी दूर गई, पलट गई एकदम, कहते गुरुजी मेरी तो शादी आपकी वजह से हुई है, मैंने आज तक इलीगल अबॉर्शन नहीं किया, कुछ भी अनएथिकल काम नहीं करती, जिगरा चाहिए गुरुजी के सामने बोलने का इतना। गुरुजी ने उसे पास बुलाया, कहते मैं यही देख रहा था तेरा, कहते तू आ तेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी और मुंडा होगा मेल चाइल्ड। बिलीव करना 30 जून 2000 को डॉक्टर्स ने कंसेंट मांगी जो हमने नहीं दी, और उसके बाद 30 जून को हमारा वासु जो बेचारा इंजीनियरिंग के काउंसलिंग में जा रहा है, इंजीनियर की कॉलेज में सिलेक्शन लेने वाला है, आप देखिए उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये है भगवान, यहां पर ऐसे ही मजाक नहीं चलता है कि कुछ भी कह दिया हो जाएगा कर देंगे। और आप देखिए लेकिन वो जिगरा रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त आए हुए थे वो कंसेंट मांग रहे थे और उस कंसेंट को मैं दे नहीं रहा था। मेरा फर्स्ट बच्चा आया, क्योंकि हम दोनों डॉक्टर थे, गुरुजी के यहां बच्चे अलाउड नहीं थे क्योंकि गुरुजी के टाइम में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। तो बट वासु को गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ था तो वो आता था, उसको सौभाग्य मिला है गुरुजी की गोद में बैठने का, उसको सौभाग्य मिला है गुरुजी की जेब से टॉफियां निकालने का, उसको सौभाग्य मिला है गुरुजी के किस करने का। तो आप देखो कितने बार वो गुरुजी के पास कहीं से पहुंच जाता था और संगत लगी होती थी, हम परेशान होते थे, मैंने कहा इसके चक्कर में गुरुजी भगा देते थे, जो ज्यादा न्यूसेंस करता था उसे कहते थे 5 साल मत आना, 10 साल आने ही मत। मैंने कहा यार ये पत्ता साफ करा देगा अपना भी यहां ना, तो मैं गया तो वो कहता है ऐसे गुरुजी के हाथ करके, कहता टॉफी दो गुरुजी। गुरुजी बोले यार रोज रोज टॉफी थोड़ी रहती है, आज तो कोई टॉफी वॉफी नहीं है। कहते यार टॉफी दो आप टॉफी। गुरुजी ने ऐसे हाथ किया, बहुत सारी टॉफियां गुरुजी के हाथ में, और गुरुजी ने उसको उसने दोनों जेबों में रखी आगे रखी। ये है भगवान, आपको उनको साधना सीखना पड़ेगा, और जिस दिन आपको साधना आ जाएगा वो कृपा उनकी जो है आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, और उस कृपा को जो है आप महसूस कर पाएंगे कि कैसे गुरुजी कृपा कर रहे हैं। मेरा बच्चा हार्डली 1 ईयर का भी नहीं हुआ था, गुरुजी जैसे शादियां होती थी अपने यहाँ संगत में उसमें गुरुजी जाते थे, बहुत सारे घर में सत्संग होते थे उसमें जाते थे। तो गुरुजी एक शादी में गए हुए थे, तो वो शादी थी जिनका आंटी ने, जिन आंटी का नाम शर्मा आंटी का, पुष्पा शर्मा नाम है उनका, गुरुजी ने नाम रखा था लस्सी, लस्सी आंटी, वो गुरुजी की लस्सी लाती थी बहुत अच्छी, तो उनका नाम रखा था लस्सी आंटी। तो उनका गुरुजी ने जो ये नैनीताल में जगह खरीदी उन्होंने, वो गुरुजी ने ब्लेस करके वहाँ बहुत बड़ा होटल बनवाया और वहाँ गुरुजी सत्संग करने भी गए। तो वो लस्सी आंटी की बेटी की शादी थी, तो हम लोग उस समय हरिनगर रहते थे, तो बासु को स्वीटी गोद में लिए थी, गुरुजी सबको कुछ कुछ अपने हाथों से बांट रहे थे, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी अपने हाथ से ब्लेस कर रहे थे, और बहुत बड़ा उनका, दे आर वेरी वेल ऑफ, तो बहुत खाने का अच्छा अरेंजमेंट था। तो गुरुजी ने मेरे से बोला यार वो बुढ़िया के बाल होते हैं, मैंने कहा,
तो बोले अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो मेरे को भी अंग्रेजी नहीं बता दी, तो किसी ने बताया कि उसको सुगर कैंडी बोलते हैं। गुरुजी बोले हाँ, वो लेके आ तू। अच्छा मैं पूरी पार्टी, जैसे आपका ये चौकोर है ऐसे मैं पूरा घूमाया, मेरे को वो सुगर कैंडी नहीं मिली। मैं आया गुरुजी के पास, गुरुजी बहुत ही शाइनिंग पिंक चोला पहने हुए थे, कहते यार कैसा डॉक्टर है तू, तेरे को गुरु हूं मैं और मैं बोल रहा हूं। मैं कहा गुरुजी यहाँ है ही नहीं। गुरुजी बोले देख के आ ढंग से। जब मैं गया तो वो लास्ट में सुगर कैंडी बना रहा था। मैंने कहा यार तू भी किनारे बैठा हुआ है, इतनी बड़ी शादी में तेरा क्या रोल। मैं दो सुगर कैंडी लेके आया, मैंने कहा गुरुजी मंगा रहे हैं तो एक अपने लिए भी ले लेते हैं। गुरुजी ने वो सुगर कैंडी अपने हाथ में पकड़ ली और घूमते घूमते एक आंटी जो मे बी 70+ ईयर की थी, उस आंटी के पास जाके गुरुजी ने वो सुगर कैंडी उनके हाथ में थमा दी। वो रोने लगी आंटी, कहती मैं पंजाब से आई हूं, पिछले 6 महीने से मेरा मन करता है कि मैं ये खाऊं लेकिन मेरे बच्चे ला के नहीं देते। ये है गुरु, ये है गुरु, यहां आपको इस कदर साधना पड़ेगा। गुरुजी को पता था, मैंने जब गुरुजी उसको ब्लेस करने लगे तो सुगर कैंडी को और पीछे छुपा लिया मैंने। गुरुजी बोले वो दूसरी वाली दे डॉक्टर, और उनको दोनों को आंटी देखो दे दी। देखिए क्या करिश्मा है। ऐसे ही वहां पे वो थाईलैंड की लीची आई हुई थी, गुरुजी ने उसको अपने हाथ से आधा काटा और मेरे को देने लगे, कहते यार डॉक्टर ये खा, ये तेरा प्रसाद है। तो मैंने कहा गुरुजी लीची तो मैंने खा ली, ये लीची नहीं है, आप सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गुरुजी बोले नाना तू खा, ये तेरी ब्लेसिंग है। मैंने जब वो लीची खाई, वो इतनी मीठी लीची थी कि मैंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी वाइफ को बुलाया गुरुजी ने वहीं पे, और हम दोनों के गले में हाथ डाल के गुरुजी बोले तू एक मुंडा और ले ले। मैंने एकदम हाथ हटा लिया, मैंने कहा गुरुजी मेरे एक बच्चा है, मैं मुंडा कैसे ले सकता हूं, और हमें नहीं चाहिए, बस एक बहुत है। गुरुजी बोले एकदम मस्ती करते हुए चले गए कि अगर आज तूने एक नहीं लिया तो तेरे को दो लेने पड़ेंगे, और ऐसा कह के निकल गए। अब हम भी मस्ती में थे, गुरुजी सबसे प्यार कर रहे थे, मैंने कहा हम भी गुरुजी को जोक सुना देते हैं, गुरुजी भी मस्ती कर रहे हैं। बट गुरुजी मस्ती करते ही नहीं थे, गुरुजी हंसते बैठते जगते, जो कुछ बोल देते थे वो होता था, वो होता था। इसीलिए लोग आते थे, और इसीलिए शायद आप सब भी आए हुए हैं, क्योंकि आप सबको ये भरोसा रखना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम गुरुजी की कृपा से छोटी है, आपकी परेशानी गुरुजी की कृपा में समाहित है। जिस दिन आप ऐसा फील कर लेंगे तो आपको जो भय है, दुख है, वो बंद हो जाएंगे। गुरुजी की कृपा से टाइम निकल गया, काफी टाइम निकल गया, हम भूल भाल गए इस बात को। अचानक मेरी वाइफ 2006 में दिसंबर में प्रेग्नेंट हो गई। जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो इट वॉज ए ट्विन प्रेग्नेंसी। डॉक्टर अशोक खुराना बहुत माने हुए अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट हैं डिफेंस कॉलोनी में, तो उस कृपा से हमने जब वो अल्ट्रासाउंड कराया तो वो लेके जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी से हमने बताया कि गुरुजी वाइफ को ये प्रॉब्लम है ऑलरेडी और ये ट्विन प्रेगनेंसी हो गई है। तो हम एक काम होता है एमन्यू सेंटेंसेस, जिसके थ्रू बच्चे को एक को किल कर देते हैं और एक जिंदा रहता है। गुरुजी बोले ऐसी डॉक्टरी मत करना, तेरी वाइफ ने इतने ऑपरेशन किए हैं, वो बेड रेस्ट पे आने वाली है, तुम बहुत परेशानी में आने वाले हो, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, तो उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना। जैसा गुरुजी ने कहा था वैसे ही मेरी वाइफ को वो सब दिक्कतें हुई, मेरी वाइफ बेड रेस्ट पे आ गई और हम बहुत सारी परेशानियों में आ गए। और उस पर जैसे जैसे टाइम निकलता गया मेरी वाइफ को और दिक्कतें बढ़ने लगी, और गुरुजी की मेहर के अलावा मेरे पास कोई साधन नहीं था, और उस साधन पे हम चलते चले गए। और जो मैंने बताया कि मेरे जो स्टोन्स के थे, उस स्टोन्स के बाद मेरी वाइफ की वो ट्विन प्रेगनेंसी हुई, और वो प्री मैच्योर थी, और वो प्री मैच्योर प्रेगनेंसी जो डिलीवरी हुई वो गंगाराम में गुरुजी ने कराई। और आप देखिए कि गंगाराम किसी के पैसे नहीं छोड़ता, और मेरे वो प्री मैच्योर बच्चे एक दिन भी आईसीयू के लिए नहीं गए, तो वो गंगाराम के बच्चे हैं, उनका हर ट्रीटमेंट गंगाराम हॉस्पिटल में फ्री है, एंड दे मेड दैट डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट। गुरुजी कितनी नजर रखते हैं, उनको ये पता था मैं सैलरीड आदमी हूं, मैंने अपनी वाइफ की डिलीवरी के लिए एम्स में बुक किया था, बट गुरुजी को पता था कि वहां बच्चे कहां सेफ होने हैं और उन्हें कैसे मदद करनी है। गुरुजी ने उसी हिसाब से मदद की। तो यहां आपको इस कदर गुरुजी को मानना पड़ेगा और गुरुजी को समझना पड़ेगा, तब आपकी कृपा गुरुजी पर होने वाली है।
गुरु जी अक्सर कहते थे कि पात्र की पात्रता के हिसाब से मैं देता हूं। तो मैंने कहा गुरु जी इसका क्या मतलब है? कहते हर आदमी का भाग्य प्रारब्ध होता है, हर आदमी की स्पिरिचुअल जर्नी है डॉक्टर, और जो जिसको मिलता है वो उसके हिसाब से मिलता है। तो ये गुरु जी की कृपा है और गुरु जी उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप करते हैं वैसे आप उस चीज को फील कर पाएंगे। आज सुबह मैं अंकल के यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो उस ब्रेकफास्ट के साथ तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात शेयर की मेरे से। बोले डॉक्टर साहब जब हम बर्तन में दूध लेने जाते हैं तो हम उस दूध के बर्तन को और साफ करते हैं कि फट ना जाए, और बड़ा साफ साफ करके उस दूध को लेने जाते हैं। कहते हैं उसमें हम दूध इसलिए लेके आते हैं क्योंकि वो बर्तन खाली होता है। तो ये बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि हम भी गुरु जी के पास खाली मन से जाएं, श्रद्धा से जाएं, पूरे भरे मन से ना जाएं बहुत दुखी होके। गुरु जी कहते थे कि अगर मैं भगवान हूं तो डॉक्टर मेरे यहां रो के आने की जरूरत नहीं है। मैं पूछता हूं कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं भगवान हूं तो मैं अपने आप जान लूंगा कि दिक्कत क्या है। यहां पर दिक्कत बताने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर दिक्कत बताने की भी जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ उनकी कृपा को महसूस करने की जरूरत है। और गुरु जी की कृपा देखिए कि यहां पर कोई चालाकी नहीं चलती। एल एम मेहता अंकल जो डिफेंस सेक्रेटरी रहे, भजन लाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के, वो भी गुरु जी के फॉलोअर हैं और गुरु जी की कृपा से उनकी लड़की की शादी, उनके लड़के की शादी थी सॉरी रॉक गार्डन चंडीगढ़ में। तो गुरु जी ने मेरे से कहा था कि तुम मेरे साथ, क्योंकि तुम हरियाणा सरकार के साथ नौकरी करते हो तो तुम मेरे साथ चलना। लेकिन मैंने, मेरा बासु था, मैं था और वाइफ, तो हम लोग एक दिन पहले चंडीगढ़ घूमने के चक्कर में चले गए, बट गुरुजी ने हमें साथ चलने को बोला था। तो नेक्स्ट डे जब गुरुजी पहुंचे वहां पर रॉक गार्डन में, तो बहुत सारी संगत आई थी। गुरुजी अपनी संगत के यहाँ किसी की मैरिज होती थी तो अपने बगल में बहुत सारे कार्ड रख लेते थे और उन कार्ड में अलग अलग लोगों के नाम लिख के फिर वो संगत को देते थे और उस संगत को वहां जाना होता था। मे बी वो शादी लंदन में हो या अमेरिका में, आपको जाना पड़ता था वहां पे क्योंकि गुरुजी वहां खुद जाते थे। तो गुरुजी की कृपा से हम एक दिन पहले पहुंच गए, क्योंकि गलती थी, गुरुजी ने साथ चलने को बोला था। तो जैसे ही गाड़ी का गेट खुला हमने गुरुजी से प्रणाम किया, गुरुजी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेके बात करते हुए अंदर चले गए। तो जहां शादी का अरेंजमेंट था उसके अलावा मेहता अंकल ने एक अलग से पंडाल गुरुजी के लिए बहुत सुंदर बनवाया था, जहां पर गुरुजी को बिठाना था। गुरुजी वहां ऐसे गद्दी में बैठ गए और बहुत सारा प्रसाद था। संगत के लोग जो जान रहे थे, वो जो नहीं जान रहे थे, वो सब गुरुजी के पास आते गए। गुरुजी ने मेरे से कहा कि सबको ये लड्डू प्रसाद बर्फी कुछ भी एक देते जाना। मैंने बांटना शुरू कर दिया। मेरे सरकार के वो सेक्रेटरी थे, पूरी शादी निपट गई, मेरी वाइफ गवर्नर साहब का ADC पीछे से हमें देखते रहे। बट देखो गुरुजी ने ऐसे बांध दिया कि मैं काम करता चला गया, वो मेरे को कोई नहीं दिखाई दिया। 12:30 बज गए, गुरुजी बोले यार प्रसाद लगवा, भूख लगी है, लंगर खाएंगे। तो जैसे ही मेरी थोड़ी आंख खुली मैंने देखा मेरी वाइफ बच्चे सब परेशान, गवर्नर साहब का लड़का वो परेशान। मैं बाहर आया, मैंने देखा मेरे सारे लोग चले गए थे जिनसे मेरे मिलने की तमन्ना थी। गुरुजी मेरे से बोले कि गुरु का काम कभी मना नहीं करते, तेरे को आज आने को बोला था तू कल क्यों आ गया, तेरे से सेवा करा के मैंने माफ कर दिया, चल तू मेरे नाल बैठ है, अब लंगर करेंगे। जैसे ही हमने लंगर करना शुरू किया सामने संगत के काफी लोग बैठे हुए थे और उन लोगों ने मेरे को इशारा करके बुलाया। मैं जब वहां पहुंचा उनके पास तो वो बोले यार डॉक्टर तू हरियाणा से है, यहाँ पे शराब अरेंज कर हमारे लिए, 12 बज गए शराब नहीं मिल रही। तो मैंने कहा यार मैं तो वैसे ही चढ़ गया, मेरे बीवी बच्चे सब परेशान है, गुरुजी ने हमें सेवा में लगा दिया और मैं गुरुजी के पास आके बैठ गया। अब देखो मालिक की नजर कहते हैं कि आप इतना करना शुरू कर दीजिए कि गुरुजी आप पर नजर डाल दें, बस आप इतनी सेवा कर दीजिए कि गुरुजी आपके बारे में सोचने लगे, आप इतना काम कर दीजिए कि गुरुजी मजबूर हो जाएं आपकी मदद आपकी तरफ देखने के लिए, बस यही है कलाकारी गुरुजी से जुड़ने की। जैसे मैं वहां से आया गुरुजी बोले यार ये की कह रहे हैं ये लोग। मैंने कहा गुरुजी बताइए 12:30 बज गए और ये कह रहे हैं शराब पिलाओ, ये कहते तू यहां बैठ जा, इत्थे बैठ जा तू लंगर कर। थोड़ी देर में फिर उन्होंने बुलाना शुरू किया, गुरुजी बोले कि वो जो दो जगह जग रखे उनकी टेबल पर वो लेके आ,
अच्छा मैं सब भूल गया था, मैं वो दोनों जग जल्दी से उठा के गुरु जी के पास आ गया। आप सुनिए सत्संग को, कि जैसे ही मैं आया गुरु जी ने एक उंगली एक जग में और दूसरी उंगली दो जग में डाल के कहते जा रखा है जगवा। जब मैं वो जग रख के तेज भागा तो जैसे गुरु जी के पास बैठा वो सब मेरे को पैर छूने लगे और कान पकड़ने लगे, कहते यार कमाल है तेरा। तो गुरु जी बोले जा पूछ के यार की कर रहे हैं ये। तो मैं कहा गुरु जी ये बदतमीजी करेंगे और मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। कहते नाना पूछ के आ। तो मैं जब वहां गया कहते यार डॉक्टर ये शराब कहां से मंगाई तुमने। अब वहां से जब मैंने गुरु जी को देखा तो हंसने लगे। ये है गुरु जी, अपनी संगत को बेइज्जत नहीं होने देते, अपनी संगत को दुख में नहीं रहने देते थे, अपनी संगत को परेशान नहीं होने देते, बट आपको भी उन्हें स्नेह देना होगा, आपको भी उन्हें दिल से मानना होगा, उनको समझना पड़ेगा कि गुरुजी कुछ करने वाले हैं कुछ कहने वाले हैं और गुरुजी की कृपाएं जो है वो आप पर होने वाली है। गुरुजी की कृपा से एक गुरुजी अक्सर जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो गुरुजी क्या करते थे कि कभी कभी किसी संगत को बुला लेते थे कि आज तुझे इंडिया गेट आइसक्रीम खाने जाना है, आज तेरे को ली मेडियन में कॉफी पिलाएंगे। तो मेरे को गुरुजी आइसक्रीम के लिए बुलाते थे। तो मैं उस समय एलएनजेपी हॉस्पिटल में था, मेरे पास जैन गाड़ी थी जिसमें गुरुजी को मेरे को बिठाने का सौभाग्य मिला और गुरुजी को बहुत सारे सत्संग में ले जाने का सौभाग्य मिला। तो गुरुजी के मैं वहां से लेके आया, गुरुजी इंडिया गेट आए और उस इंडिया गेट में गुरुजी ने आइसक्रीम खाई तो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गुरुजी बैठे थे आगे और तीन संगत के लोग पीछे। तो जब वो जाने लगे तो मेरे को बड़ा खराब लगा। मैंने कहा यार मैं हॉस्टल में रहता हूँ, सब इतने रईस रईस लोग बिजनेसमैन हैं और गुरुजी मेरे से पेमेंट के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने सराफत से वो पैसे दे दिए। उस समय हार्डली वो 80 से 100 रुपए लगते थे गुरुजी की आइसक्रीम में, बस लेविश आइसक्रीम खाने के बाद। तो मैं बड़ा मायूस हुआ, गुरुजी को गाने सुनने का बड़ा शौक था तो वो सीडी चेंज करते रहते थे, कहाँ क्या रखा है। अतायतुल्ला खान के पाकिस्तान से गुरुजी ने सीडी मंगवाई एक कोरियर से, बहुत बड़ा उनको मजा आता था और बहुत तेज गाने सुनने का शौक था उन्हें उस शब्द। तो चलते रहे, फिर कुछ दिन में गुरुजी का फोन आया, कहते यार तू कितने है। मैंने कहा जी एलएनजेपी। कहते तेरे बगल में ही मंडी हाउस में हम लोग आए हैं तू आ जा। तो मेरे को लगा यार फिर पैसे दिलवाएंगे ये। मैं कहा नहीं नहीं गुरुजी कोई आइसक्रीम नहीं खानी अभी मेरी ड्यूटी चल रही। कहते यार बगल में तू आ जा। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने सबको आइसक्रीम खिलवाई सबको भेज दिया गाड़ी में और हमसे बोले कि मैं तेरी गाड़ी में चलूंगा तू छोड़ के आ मेरे को। तो मैंने देखा कि गुरुजी ने सबको फिर भेज दिया और मेरे से बोले कि पैसे दे दे तू। तो जैसे ही गुरुजी ने मेरे से कहा तो मैंने देखा गुरुजी कह रहे हैं कि तू तेरी सेवा है तू पैसे दे दे। मैंने मायूसी में वो पैसे निकाले और दे दिए। लेकिन मेरे को लगा कि हॉस्टल में ये फार्मूला होता है, एक बार एक देगा दूसरी बार दूसरा देगा, ये तो हर बार गुरुजी मेरे से दिलाते हैं। मैंने कहा अब मैं आइसक्रीम खाने नहीं आऊंगा गुरुजी के साथ। और गुरुजी की कृपा से थर्ड टाइम जब गुरुजी ने हमें बुलाया तो हमने गुरुजी को मना करने की कोशिश की बट गुरुजी ने मेरे को बुलाया तो मेरी गाड़ी से ही सारे लोग गए। और जैसे ही गुरुजी ने उन सबको छुट्टी दी तो मेरे को लगा आज भी पैसे मेरे को देने पड़ेंगे। तो गुरुजी बहुत ही डैशिंग नाइट सूट पहने हुए थे और बहुत ही डैशिंग फ्लोरोसेंट कलर की शर्ट। तो मैंने कहा गुरुजी आज तो पैसे आपको देने, आपने सबको भेज दिया गाड़ी में, मैं तो दूंगा नहीं। तो जो आइसक्रीम वाला था मैंने उससे बोला ये मेरे लोकल गार्जियन है तो उनसे पैसे ले ले। तो गुरुजी बोले यार तू की कर रहा है मेरे पजामे में जेब नहीं, ऐसे गुरुजी बच्चे की तरह करने लगे। कहते यार तू देख ले यार मेरे जेब नहीं है क्या कर रहा डॉक्टर तू 200 रुपए ले लेना घर जाके। मैंने कहा कोई 200 नहीं लेने, दो बार पैसे दिलवा दिए और इस बार भी मैंने कहा मैं नहीं देता इस बार। मैंने कहा मैं हॉस्टल में हूँ शादी हुई नहीं है और आप हमारे को हर बार कह देते हो पैसे देने नहीं। बहुत एकदम जैसे चाइल्डिश बिहेवियर में गुरुजी कह रहे हैं अच्छा तू देख मेरे जेब है मेरे पास पैसे हैं मेरी जेब में पैसे है। मैं कहा गुरुजी मैंने नहीं लेना देना। और मैंने आइसक्रीम वाले से बोला कि भाई इनसे पैसे ले लेना मेरे लोकल गार्जियन है। गुरुजी एकदम सीरियस हो गए, गुरुजी ने ऐसे हाथ किया एक 100 रुपीज का नोट हवा से उनके हाथ में और पूरी जगह पे फ्रेग्रेंस फैल गई और मैं बहुत बहुत स्ट्रेस में आ गया। और गुरुजी ने मेरे से पेन इशारे से मांगा, उस पे ब्लेसिंग ऑलवेज करके लिख के गुरुजी ने वो नोट उस आइसक्रीम वाले को दे दिया। तो जब उसको मेरे हाथ से दिलवाया तो मैंने कहा गुरुजी सॉरी मैंने आज आपसे मजाक ज्यादा कर दिया। कहते नहीं ये तेरी सेवा थी, ये तेरी सेवा थी, मेरे को आज इसको ब्लेस करना था। तो उनकी सारी चीजें डिसाइडेड हैं, यहां पे कोई चीजें ऐसे नहीं हुई हैं। इवन आप सब अगर यहां बैठे हैं तो उनकी मर्जी से बैठे हैं,
एंड शुक्राना करिए उनका कि आपने इतने अच्छी एम्बियंस ली, आप शुक्राना करिए उनका कि आपने इतनी अच्छी चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खा रहे हैं, और आप शुक्राना करिए उनकी हर चीज का, हर उनकी मौज का, हर उनकी अपनी ब्लेसिंग का, और उसके बाद उस कृपा को बहते हुए देखिए कि वो कैसे कृपा करने वाले हैं और कैसे वो कृपा अपनी बहाने वाले हैं। अच्छा, गुरुजी को जब गुरुजी को मैंने बताया था कि वो जो अर्थराइटिस का जब गुरुजी ने भोग लिया तो गुरुजी बड़े थोड़े से थके हुए से रहते थे और बहुत कमजोरी से, तो मेरे से अक्सर कहते थे यार डॉक्टर कोई टॉनिक वॉनिक लिख मेरे लिए, मेरी इतनी तबीयत खराब रहती है ये वो। तो उसी बीच में एक वहां का बेचारा एक वेजिटेबल वाला था, वो लौकी बेचता था, तो वो क्या करता था सुबह गुरुजी के पास आता था, अपनी डलिया गुरुजी के बाहर रख के और चला जाता था, और उसकी धीमे धीमे उस लौकी बेचने में बरकत हो गई, तो वो दो लौकी लेके अपनी एक जो टॉवेल होती है गमछा उसमें वो बांध के शाम को गुरुजी के पास आ गया। तो किसी अंकल से मिला वो, तो उन्होंने बोला भाई वो खड़े हुए हैं गुरुजी के डॉक्टर, उनसे बात कर लो। तो वो मेरे पास आया और उसने टॉवेल खोली तो उसमें लौकी थी, तो मैं भी बड़ा सकते में आ गया, मैंने कहा यार ये किस लिए लाया तू, कहता है ये गुरुजी को गिफ्ट करने आया हूँ। मैंने कहा यार कमाल का आदमी है तू, ही मन में सोचा, मैंने कहा तू लौकी लेके आ गया। अच्छा मेरा दिमाग चल गया, मैंने कहा जब ये लौकी लेके आया है तो गुरुजी इस समय कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो गुरुजी से कहेंगे रोज सुबह लौकी का जूस पीना है, तो मैंने उससे पूछा कि तू रोज सुबह दे जाएगा दो लौकी, कहता साहब मैं तो डलिया दे जाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, कहता ये मेरे भगवान है, इनकी वजह से मेरी बरकत हो रही है। तो मैंने कहा जा तू फिर सामने जो है गुरुजी के सामने जब तू जाएगा ना वो अपनी टॉवेल खोल देना, और तो जैसे ही टॉवेल खोली तो वो दोनों लौकी गुरुजी के पैरों पे आके गिर गई। गुरुजी बोले यार ये क्या करा रहा है, मैं कहा गुरुजी ये लौकी बेचने जाता है और ये रोज आपका नाम लेके जाता है तो इसकी बहुत सेल बढ़ गई है, तो ये आपके लिए लाया है प्रसाद स्वरूप। तो मैंने कहा गुरुजी आजकल आपकी तबीयत भी खराब है तो आप धीमे धीमे रोज लौकी का जूस पियेंगे तो आपकी तबीयत बढ़िया हो जाएगी। तो गुरुजी ने उससे पूछा तू रोज ले आएगा लौकी, कहता हाँ साहब मैं तो यहीं से निकलता हूँ रोज लौकी दे जाऊंगा अच्छी। अब गुरुजी कभी नाक पकड़ के कभी उल्टी करके रोज वो लौकी का जूस पिए और मेरे से कहें यार डॉक्टर तूने किस परेशानी में डाल दिया। अच्छा मेरे को लग रहा था कि वो गरीब आदमी की सेवा लग रही है, तो मैंने कहा गुरुजी कोई बात नहीं, और गुरुजी लिटरली बच्चे की तरह नाक बंद करके वो लौकी का जूस और कभी मेरे को दो चार शब्द पहन बोल के वो जूस पीने लगे। अब धीमे धीमे गुरुजी ने बरकत की, परीक्षा लेते हैं गुरुजी सबकी। वो कुछ दिन में एक रूमाल में पैसे लाया और ऐसे मेरे को देने लगा, मैं कहा यार यहाँ भगा देंगे यहाँ कोई ये पैसे ऐसे का मामला नहीं होता, कहता है डॉक्टर साहब अब मैंने ना आड़त खोल ली है और जो मेरे पैसे बचते हैं उसका 10% मैं गुरुजी के नाम से रख लेता हूँ। तो मैंने कहा जा भाई तू जब लौकी तू गुरुजी के सामने रख सकता है तो पैसे भी रख दे। तो उसने गुरुजी के सामने वो पैसे दिखाए, गुरुजी बोले बंद कर बंद कर। गुरुजी बोले अच्छा तू ये पैसे ना रोज लेके आया कर, कहता कि नहीं मेरी दिल से सेवा है, बड़ा मायूस हो गया। तो गुरुजी बोले ठीक है तू डेली ये लाया कर पैसे और डॉक्टर से तू पूछ लेना मैं बताऊंगा दसूंगा कि किस दिन तेरी सेवा है। तो वो संगत में आता था जैसे आप सब आए और ऐसे धीमे से दिखा देता था रूमाल, तो कई बार मैं गुरुजी को बोल देता था, मैंने कहा गुरुजी वो आया है वेजिटेबल शॉपकीपर और वो जो पैसे, कहते हाँ उससे बोल दे रख ले। एक दिन अचानक गुरुजी चंडीगढ़ जाना था, बहुत सारी संगत गुरुजी के साथ जाने वाली थी। गुरुजी पानीपत के पास पहुंचे, अचानक गुरुजी ने गाड़ी सिविल लाइन्स वहां पर जो है वहां मुड़वा दी। वहां एक चाट वाले की दुकान थी, भगवान है उन्हें सारा कुछ पता है। उस चाट वाले के पास खड़े होके गुरुजी बोले यार वो तेरा आया वेजिटेबल वाला, मैंने कहा हाँ। तो वो पीछे कार में था, हमने फोन लगाया, गुरुजी ने बोला उससे बोल दे आज उसकी सेवा है और ये पेमेंट करनी है उसे सबकी चाट का। तो मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा भाई तू रोज बोलता था कि तेरी सेवा है और ऐसा और वैसा, तो आज गुरुजी कह रहे हैं कि जो चाट हम सब खाएंगे उसके पैसे देने हैं तुम्हें। तो बड़ा मायूस हो गया वो। तो जब वो लौकी वाला वहां पहुंचा तो बेचारा मेरे से बहुत नाराज हो गया, कहता है डॉक्टर साहब मेरे पास तो पैसे कम है, इतने लोग खाएंगे, आप मेरे को 5-10 हज़ार रुपये उधार दे दो। अब गुरुजी के सिस्टम में उधार ही नहीं चलती, तो गुरुजी की कृपा से मैंने कहा यार कि मैं ये सब नहीं कर सकता। तो वो बहुत लड़ाई सी मान गया कि मैं उसे शायद हेल्प नहीं करना चाहता, और उसके बाद गुरुजी ने सबने चाट खाना शुरू किया और गुरुजी ने अचानक उससे बोला कि भाई बुला उसको, उस वो पैसे दे दे। तो देखो वो उसके पास जो पैसे थे ऐसे मुट्ठी भर के जैसे ही वो चाट वाले को देने वाला था, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो गुरुजी के बहुत फॉलोअर थे पानीपत के, वो अचानक उन्हें पता चला होगा कि गुरुजी पानीपत में है, वो 5-6 गाड़ियों के साथ गुरुजी के एकदम एकदम धूल उड़ने लगी और गुरुजी के बगल में आ गए।
मेरे और गुरु जी से बोले, डॉक्टर साहब आप यहाँ गुरु जी को लाए हो, आपने बताया नहीं, और गुरु जी से भी कहने लगे बस। तो जैसे ही वो बेचारा लौकी वाले अंकल पैसा देने वाले थे, उसका उनका हाथ रोक लिया उन्होंने, और उन्होंने बोला कि भाई ये मेरी जगह है और कोई जो है पैसे नहीं देगा। और गुरु जी ने कैसे उसको जो ये थी कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आज पैसे नहीं दे पाऊंगा मैं, गुरु जी ने उसकी सेवा भी चेक कर ली, और उसके बाद गुरु जी ने कैसे उसको जो है ब्लेस किया, ये उनकी कितनी बड़ी कृपा है। आप लोग जैसे आज यहाँ सत्संग है, वैसे गुरु जी कृपा से एक ए बी माथुर वो गुरु जी के फॉलोअर थे, पंडारा रोड में उनके यहाँ सत्संग होता था महीने में कभी या साल में। तो गुरु जी कृपा से जैसे ये अंकल आंटी कई लोग सेवा कर रहे हैं, तो वहां पर भी गुरु जी कृपा से कुछ सेवा करने आए थे, तो मैंने देखा दो तीन अंकल खड़े होकर बात कर रहे थे। शीतल माथुर एक वहां सरिता बिहार से आते थे, तो वो अंकल को मैंने अचानक कहा कि अंकल आप खड़े कैसे हो, आप यहाँ पे सेवा करिए और जो है सामने जाके सेवा करिए। तो वो बेचारे बहुत डर गए और गुरु जी का आदेश समझ के वो एकदम सेवा करने लगे। और जब वो सेवा करने लगे तो उनको बड़ा वो लगा कि क्या बात है। थोड़ी देर में फिर आया उनके पास, जैसा वो बताते हैं क्योंकि मेरे को तो वो ध्यान नहीं है, तो गुरु जी कृपा से मैंने उनसे कहा कि आप पानी ज़्यादा पिया करो। तो वो बोले कि डॉक्टर साहब मैं कुछ बोलने वाले थे, मैंने कहा बस जितना बोल दिया उतना सुन लो। वो बेचारे बहुत सख्ते में आ गए क्योंकि वो उस दिन किडनी वाले डॉक्टर को दिखा के लाए थे कि उनकी किडनी काम नहीं कर रही थी, तो वो बड़े मायूस हो गए। वो सेवा करते रहे और जब वो वहाँ पे सेवा ख़त्म हुई तो उन्होंने मेरे से कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे से बोला कि पानी ज़्यादा पिया करो, मेरे डॉक्टर ने तो मेरे को बोला है पानी कम पीना है, और आज ही हम दिखा के आए हैं और बात नहीं कर पाए हैं। तो मैंने कहा सॉरी मैंने कुछ ऐसा बोला है लेकिन मेरे को ध्यान नहीं। खैर उन्होंने गुरुजी का आदेश मान के वो पानी पीना शुरू किया, और जब वो एक महीने बाद अपने डॉक्टर को दिखाने गए तो उस डॉक्टर ने उनसे बोला कि लास्ट टाइम मैं आपको बता नहीं पाया था, आपको पानी ज़्यादा पीना था। तो उनको बहुत वो लगा कि देखो कैसे डॉक्टर साहब के माध्यम को बना के गुरुजी ने उनको ये मैसेज दिलवा दी कि कैसे कृपा करनी है उनकी। तो यहाँ पर किससे किसका आंसर मिलने वाला है ये आप नहीं समझ सकते, ये उनकी लीलाएं हैं, वो कैसे सडन करेंगे, कोई बहुत प्री डिसाइडेड काम नहीं होगा और वो उसको करेगा। गुरुजी की कृपा से एक बार ऐसे ही संगत खत्म हो गई थी और गुरुजी ने जो है अचानक मेरे से बोला कि यार गाड़ी अपने बेडरूम में ले गए, और गुरुजी ने एकदम शर्ट एकदम पेशेंट की तरह उतार दी, मेरे से बोले कि मेरे ना कई बार डॉक्टर राइट साइड में पेन होने लगता है बैक में। तो मैंने जब उन्हें पैल्पेट किया तो बहुत एकदम सॉफ्ट एब्डोमेन था, सारे ऑर्गन उनके बिल्कुल अप टू द मार्क थे, बट गुरुजी बोलने लगे पीछे जाता है दर्द तो ये किडनी स्टोन में होता है। तो बोले मेरा अल्ट्रासाउंड करा तू, और जैसे ही बैठे गुरुजी तो गुरुजी कहने लगे कि मेरे जब मैं चलता हूं तो लाल पीला दिखाई देता है तो ये डायबिटीज में होता है। तो बोले एक मेरा ब्लड शुगर भी चेक करा, मैंने अपनी जैन गाड़ी लगाई और गुरुजी कृपा से जब मैं आगे आया तो गुरुजी मेरी गाड़ी में बैठे और एक अंकल को और बिठाया गुरुजी ने और हम लोग चल दिए। तो जब मैं एम्स के आगे पहुंचा तो मैंने देखा कि एम्स में गुरुजी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, बट पता नहीं कैसे मेरा मन चेंज हो गया और मैं उन्हें आर्मी हॉस्पिटल ले गया। गुरुजी शर्ट पैंट में और बहुत तेज चलते थे, गुरुजी जब चलते थे तो उनके पैरों में मिट्टी नहीं लगती थी। तो गुरुजी और हम चलते रहे, वो दूसरे अंकल वहाँ पे उनको डॉक्टर को बुलाने गए और वो जब आए तो उनको अल्ट्रासाउंड रूम में वो ब्रिगेडियर ले गया और वो बड़ा नाराज हो गया कि ये अच्छे भले चल रहे हैं और आप बता रहे हो इनको डॉक्टर साहब आप। तो मैंने कहा ये मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे दर्द होता है इसलिए इनका अल्ट्रासाउंड कराना है। खैर वो डॉक्टर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, वो अल्ट्रासाउंड रूम ले गए और उन्होंने अल्ट्रासाउंड जब करना शुरू किया तो जैसे जैसे वो अल्ट्रासाउंड करते चले गए गुरुजी उनकी आँख खोलते गए और वो बोलने लगे मेरे से कि इनका तो एब्डोमेन और सारे ऑर्गन्स बहुत सॉफ्ट हैं तो इन्हें तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। और अचानक जैसे ही वो प्रोब पीछे ले गए तो गुरुजी कृपा से उन्होंने प्रोब रख दी और गुरुजी के इस बीच में अम्लाइकस से अमृत निकल रहा था जो गुरुजी ने हमें और जो अंकल थे उनको बोला कि अपने माथे पे लगाओ। और जैसे ही हमने वो माथे पे लगाया वो रूम में बहुत फ्रेग्रेंस आ गई और वो डॉक्टर ने प्रोब रख दी अपनी और वो अंकल बोले कि तो एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो गुरुजी पैर डाल के बैठ गए, गुरुजी बोले कि मैं अपना अल्ट्रासाउंड करने नहीं आया, मैं तेरा सीटी स्कैन करने आया हूँ। कहते तेरी वाइफ तेरा सुनती नहीं है, तेरे बच्चे नहीं सुनते, मैं सारों को ब्लेस करने आया हूँ। ऐसे हैं गुरुजी। उसके बाद जैसे ही वो कॉरिडोर में चल रहे थे तो वो ब्लड शुगर वाले को बुलाया गया
गुरुजी को उसने प्रिक की, वो ब्लड शुगर की ले गया, और उसके बाद गुरुजी की कृपा से जब वो लौट के आया तो वो ब्लड शुगर 28 मिलीग्राम परसेंट था, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके बाद जब गुरुजी को वो दोबारा प्रिक करके ले गया तो वो 26 मिलीग्राम परसेंट था। तो गुरुजी ने जैसे ही वो आया, वो बहुत अच्छा लैब टेक्नीशियन था, तो उसने बोला कि मैंने दोनों बार अच्छे से किया। गुरुजी ने उसे सीने से लगा लिया और गुरुजी ने बोला कि भाई मैं तेरे को ब्लेस करने आया हूँ, तेरे दो बच्चे हैं, एक तेरा पता डॉक्टर बनाते हैं, एक इंजीनियर, और 7 जुलाई को जो आज दिन है, ये करीब जून की बात थी, तो वो बहुत गरीब था, बड़ा मायूस हो गया, उसको कहीं से पुरानी सैलरी मिल गई, और उसने जैसा गुरुजी ने कहा था कार लेके वो गुरुजी के पास मिलने आया, और उसके पास जो है गुरुजी की कृपा से वो गुरुजी ने एक लड़का उनका डॉक्टर और एक इंजीनियर बनाया, और बहुत सारी चेन ऑफ लैब्स उनकी जो है गुरुजी ने वहाँ दिल्ली में खुलवाई अपनी मेहर से। जय गुरुजी। प्लीज़ मैं सत्संग को एंड कर रहा हूँ कि गुरुजी कृपा से जो चीज़ें हैं वो आप उन चीज़ों का लाभ लीजिए, और गुरुजी की जो मेहर है, कृपा है, उसको बरसने दीजिए, और गुरुजी आप सब पर मेहर करें और ऐसे आप सब लोग कलेक्ट हो पाए। तो थैंक यू गुरुजी, ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द संगत, और गुरुजी की कृपा रहे, मेहर रहे। जय गुरुजी।